अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। मैं हूं आपकी होस्ट रिदा सैफी और मैं हूं मोहम्मद यासर। हमारा आपका साथ बना रहता है सुबह 9 से 11 बजे तक मंडे टू फ्राइडे और आज आपके सामने मौजूद है बहुत सारी खबरों तबसरों बेबाक तजियों के साथ। सबसे पहले बात करें अफसोसनाक वाकई की, कराची शहर की खबर दें आपको कि गुलबाय पुल पर ऑयल टैंकर में आग भड़क उठी है। कई गाड़ियां बताया जा रहा है कि आग की लपेट में है। टैंकर डीजल लेकर शेरशाह से नेटी जेटी जा रहा था कि कंटेनर को ओवरटेक करते हुए उल्टा, जिससे आग लग गई है, पुलिस बता रही है। बिल्कुल जी, और अभी जो इत्तलात अभी मौसूल हुई हैं उसके मुताबिक जो एमडी वाटर बोर्ड हैं उन्होंने जो फायर टैंकर्स हैं उनको रवाना कर दिया है और उससे पहले भी 6 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो हैं वहां पर आग बुझाने में जो है मसरूफ़ हैं। और बड़ा अफसोसनाक वाकया है, सुबह के वक्त ये हादसा पेश आया है। इसकी वजह जो इस वक्त बताई जा रही है, जैसा भी आपने तस्करा किया कि ओवरटेक करते हुए ये टैंकर जो है वो उल्टा हो गया, तो ये एक अफसोसनाक बात। जैसे तो चुके हैं जो गाड़ियां आपकी लपेट में आई होंगी वो बड़ा नुकसान है। मोटरबाइक्स भी इसमें 5 मोटरबाइक्स और 2-3 गाड़ियां भी इसकी जो आग की जद में आ गई। जी आपको बताएं जी कि कल की सबसे बड़ी अहम खबरों में से जी खबर थी कि IMF ने पाकिस्तान के मौशी हालात मजीद खराब होने का खदशा जाहिर कर दिया है। पाकिस्तान में इक्तिसादी तरक्की की रफ्तार में कमी और बेरोजगारी में इजाफा होगा। आलमी मालियाती फंड की रिपोर्ट है 2.9 पे जाने वाला है GDP ग्रोथ रेट, यानी कि जो आपका है मजीद ये इंडिकेटर दिए जा रहे हैं। इससे पहले 3.4 का इंडिकेटर कल आपको बताया था प्रोग्राम में, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट इंकशाफ करी थी और अब IMF भी मजीद खतरे की घंटी बजा रहा है। बिल्कुल जी, क्या कहिए कि यहाँ पर हुकूमती अरकान और उनके नुमाइंदे बैठकर मईशत की जो अक्कासी करते हैं, जो वाकयात बताते हैं, जिस तरह के हालात बताते हैं वो समझ में नहीं आते। और जब उनसे ये सवाल किया जाता है कि ये जो आप बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, कोई ये कहता है कि जनाब इतनी नौकरियाँ आ जाएंगी कि बंदे कम पड़ जाएंगे, कोई कहता है कि जनाब हमारी मौशी हालत जो है वो बेहतर हो रही है, अगला साल हमारा से बेहतर होगा, लेकिन ये जो आलमी मालियाती इदारे हैं इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, पहले तो आपको ये समझाएंगे और फिर बताएंगे कि ये किस फॉर्मूले के तहत ये आपकी जो पूरी इकोनॉमी है उसकी अकासी करता है या रिपोर्ट आपको बनाकर देता है, इसके ऊपर जरूर बात। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां आसिफ सईद खोसा की अगर बात कर लें तो वो भी अब बोल पड़े हैं जी। बहुत दिन से यही बातें हो रही थी कि चीफ जस्टिस साहब के ऐसे कोई सख्त रिमार्क्स नहीं है जस्टिस आकिब निसार के जाने के बाद, लेकिन अब आसिफ सईद खोसा भी बोल पड़े हैं। कहते हैं रियासत खुद लोगों को निजी स्कूल्स में दाखिलों पर मजबूर करती है, रियासत की जिम्मेदारी है कि वो तालीम का जो मेयार है उसको बेहतर बनाए और हर शहरी को तालीम की फरहमी यकीनी बनाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी व सूबाई हुकूमत से मुफ्त तालीम की फरहमी के लिए किए गए इकदाम पर रिपोर्ट भी तलब कर ली है। और कल पस्मा और ये जो PEA है इन दोनों के जो चेयरमैन थे वो वहाँ मौजूद भी थे कोर्ट के अंदर जब प्रोसीडिंग हुई और रात को भी जब बात हुई, और ख़ास तौर पर जिस तरह से रिमार्क सामने आ रहे हैं उसके बाद 18th अमेंडमेंट की जो बात की जाती थी सूबाई हुकूमत खासतौर पर पीपल्स पार्टी की जानिब से जो की जाती है, लेकिन आपके सामने मिसमैनेजमेंट और अनफेयर जो मीन और जो मोड है जिस तरह का चल रहा उसके ऊपर अब एतराज़ात और सवालात उठ गए हैं। बिल्कुल जी, ये सूरत हाल सारे ही सूबों की है जहाँ पर सूबाई हुकूमतें मौजूद हैं, और सेहत और तालीम दो ऐसे शोबे हैं जिसको हर दौर में नज़रअंदाज किया गया है और किया जाता रहेगा। अब ये किस मकसद के तहत कर रहे हैं, किस पॉलिसी पर अमल पैरा हैं, ये शायद कोई भी ना समझ सके। और बताया ही जाता है यही जो आलमी मालियाती इदारे हैं ये बताते हैं कि जो आपकी GDP है उसका 2% आपने सेहत और तालीम के ऊपर खर्च करना है, लेकिन बजट के अंदर एलोकेशन जो होती हैं वो भी सबके सामने होती हैं। और प्लस ये कि जैसे अभी हमने देखा जो तरक्याती काम माजी करीब में हुए हैं, जैसे मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन, इनको तकमील तक पहुँचाने के लिए सेहत का जो बजट है और तालीम का जो बजट है उसमें से कटौती कर कर ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मुकम्मल किए गए, तो ये भी एक बड़ी तश्वीशनाक सूरत हाल है। अच्छा, आपने ये जो बात आप बार बार करते हैं कि जी ये इंडिकेटर्स बताते भी हैं और ऐसा होता भी है और ऐसा होना भी चाहिए कि जी सेहत और तालीम जो है वो प्रायोरिटी होनी चाहिए और उसके ऊपर पैसा लगना चाहिए, लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेटली हम ये देखते हैं कि किस तरह से लोग जो हैं यहाँ पर, यानी कि आपकी जो हुकूमत है, जो हुक्मरान है, आपकी जो हुकूमत के लोग हैं वो इन बातों से बिल्कुल अनजान है। रात को जब मौकिफ लिया भी गया इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, तो वो ये सब ये कह के जान छुड़ाने वाली बात उन्होंने कर दी कि जी हमें पता है कि हमें मजीद आगे काम करना है, काम हमने करना है, ये बात करके
جان چھڑانا یا اس طرح کی باتیں کرنا میرے خیال سے دس از ناٹ دا وے ٹو بی ڈن، کیونکہ آپ کو ایک منڈیٹ ملا ہوا ہے، اتنے سال سے ملا ہوا ہے، تیسرا سال ہو گیا ہے، لیکن اگر سندھ کی ہی بات کر لیں تعلیمی نظام کی تو کتنا برا حال ہے یہ میں اور آپ ہم سب جانتے ہیں۔ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جو حکومتی نمائندے ہیں ان کی کارکردگی کو اگر جانچنا ہے تو بڑا آسان سا پیمانہ ہے کہ 10 یا 11 سال جتنے عرصے بھی حکومت رہی اگر سندھ سے ہی شروع کر لیا جائے تو ان 11 سالوں میں کتنے نئے تعلیمی ادارے بنے ہیں، یہ سب سے آسان ہے جانچنے کے لیے کہ ان کی تعلیم کو، اس شعبے کو ترقی دینے کے لیے کیا ترجیحات شامل ہیں۔ 11 سال پہلے یا اس سے پہلے بھی اگر چلے جائیں تو نقل کا جو سسٹم تھا، جو ہمارا تعلیمی نظام تھا، وہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے چلا آ رہا ہے، جس میں کوئی ترقی یا کوئی ہم نے جو ہے وہ انہینسمنٹ نہیں دیکھی۔ اور یہی صورتحال جو ہے وہ صحت کے شعبے میں بھی ہے۔ صحت کے شعبے میں ہو سکتا ہے کہ ایک دو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ہسپتالوں کو اپگریڈ کیا گیا، لیکن نئے ہسپتالوں کو کیا ریشو رہا، یہ بھی آپ کے سامنے۔ تو یہ صورتحال کم و بیش پورے ہی پاکستان اور تمام ہی صوبوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ شریف فیملی سے متعلق حیران کن انکشافات سامنے آ رہے ہیں۔ فواد چودھری کہتے ہیں کہ خواجہ آصف، حسن اقبال اور دیگر لوگ بڑی کرپشن میں ملوث ہیں، پاکستان میں بادشاہت ہوتی تو ہم بھی ہوٹل میں 200 بندوں کو کا نظام کر لیتے۔ بالکل جی، صرف عوام کے لیے یہ اسٹیٹمنٹس ہیں، اسی طرح کے بیانات ہیں، اور اب شاید عوام اس سے بیزار آ چکے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ اگر یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں اور اگر ایسی کچھ چیزیں ریویل ہو رہی ہیں تو کارروائی ہو، ثبوت پیش ہوں، ان کے خلاف جو ملزم ہیں ان کے خلاف کارروائی ہو، اور عوام کی جو لوٹی ہوئی دولت ہے وہ واپس آ جائے، بس اتنا چاہتے ہیں۔ بالکل جی، صرف اسٹیٹمنٹ دینے سے کچھ نہیں ہوگا، جیسے اسد صاحب اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، اسد عمر صاحب اور کبھی یہ دیتے ہیں۔ بہرحال جی، نیو یارک ٹائمز کی ایک بڑی اہم اور امپورٹنٹ خبر ہے جس کو ڈسکس کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی پاکستان پریمیئر کے حوالے سے اس میں جو ہیڈر دیا ہے انہوں نے یہ دیا کہ نو یوز فار آرمڈ ملٹریز اینی مور، یعنی کہ پرائم منسٹر عمران خان وین ہی واز ایکچولی اسپیکنگ ٹو نیو یارک ٹائمز، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ وی ول ناٹ الاؤ آرمڈ ملٹریز ٹو آپریٹ اینی مور۔ یہ انہوں نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وی ہیو ڈیسائیڈڈ فار دا فیوچر آف اور کنٹری، فار گیٹ دا آؤٹ سائڈ پریشر، وی ول ناٹ الاؤ آرمڈ ملٹریز ٹو آپریٹ اینی مور۔ تو یہ بڑی اہم خبر جو نیو یارک ٹائمز میں آئی ہے جی۔ اور کس کانٹیکسٹ میں یہ بات کہی ہے یہ جاننا ضروری ہے۔ اور بہرحال جیسے ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہمارا پڑوسی ملک ہے اس کو ایڈونچر کا بڑا شوق ہے، اور الیکشن سے پہلے ایڈونچرزم کی طرف وہ جاتا ہے، ہمیشہ سے یہ ان کی پالیسی رہی ہے اور اسرائیل کی بھی یہ پالیسی رہی ہے، اس کے اوپر بھی آج بات کریں گے۔ تو اس کو مزید ایکسپینڈ نہ کیا جائے تو بہتر ہے دونوں ممالک کے لیے، تو اس کو کرٹیل کرنے کی ضرورت ہے، شاید اس کانٹیکسٹ کے اندر یہ بات۔ اچھا میں کانٹیکسٹ کے آگے بتا ہی دیتے ہیں، دی پاکستان آرمی کریٹڈ ڈیم ہی سیڈ ریفرنگ ٹو دی 1980s وین پاکستان اینڈ دی یونائیٹڈ سٹیٹس بیکڈ مسلم انسرجنٹس ان افغانستان اگینسٹ سوویت فورسز۔ تو یہ اچھا تو یہ جو ماضی میں جو رشین انویژن ہوا افغانستان کے اندر، اور اس وقت جو ملیٹنٹس کو جو امریکہ کے کہنے کے تحت جو ہے جن کو اسٹرینتھن کیا گیا ایک پالیسی کے تحت، اور وہ سارا آپ کو پتا ہے ایپیسوڈ کیا رہا تھا، تو اس کانٹیکسٹ میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اس کو مزید جو ہے اس ایکسپیریمنٹ کو دوبارہ نہیں کیا جائے گا، اور کسی بھی ملک کے کہنے پر اب پاکستان اپنا انفلوئنس جو ہے وہ اس طرح سے استعمال نہیں کرے گا۔ بالکل، تو یہ سارے معاملات ہیں جی۔ آئی ایم ایف کی بھی شرائط بہت ساری سخت سامنے ہیں جی، تو اس لیے بھی ان کو بھی دیکھنا ہوگا، حکومتوں پہ بڑن زیادہ ہوتا ہے، ان کو ہر چیز کو مینیج کرنا ہوتا ہے، اور یہ بات ہمیں شاید اب سمجھ لینی چاہیے۔ اینڈ آئی تھنک عمران خان صاحب کی حکومت کے بھی آنے کے بعد اس بات کا اندازہ ان کو بہت اچھے سے ہو گیا ہوگا کہ خالی جو ہے وہ ڈیموکریسی نہیں رول کر سکتی چیزوں پہ، ہر ایک کو پیچ پہ لے کے چیزوں کو لے کر چلنا پڑتا ہے، اور جب تک آپ سب کو راضی نہیں کرتے سارے انسٹیٹیوٹس کو، انٹل لیس یو ول ناٹ بی ایبل ٹو موو آن۔ اچھا ایک چیز آپ ذرا مجھے بھی سمجھا دیں، دیکھنے والوں کو بھی، کہ پہلے تو یہ کہا جاتا تھا کہ آئی ایم ایف کے پاس اس لیے نہیں جا سکتے کیونکہ ان کی شرائط میں شامل ہوتی ہے کہ مہنگائی میں اضافہ کیا جائے، ٹیکسوس کی شرح میں اضافہ کر دیں، پیٹرول کی پرائسز بڑھا دیں، اور یہ تمام چیزیں کر دیں، روپے کی قدر کم کر دیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آئی ایم ایف کے پاس جا بھی رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ان کی شرائط تسلیم نہیں کرنی، تو یہ جو ابھی مہنگائی کا طوفان آیا ہے یہ کس کے کہنے پہ کیا ہے؟ یہی تو سوال ہے، اور اسد عمر صاحب اس کو ریگریٹ کر رہے ہیں، لیکن جب یہ ڈاکیومنٹ سامنے آ گئے ہیں بہت ساری چیزیں آ بھی جائیں گی مزید آہستہ آہستہ۔ آپ کو پتہ ہے اب صحافت کے شعبے سے جتنے بھی لوگ وابستہ ہیں ان سے کوئی چیز چھپتی نہیں ہے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی منظر پہ چیزیں سامنے آ بھی جاتی ہیں اور آ بھی جائیں گی، دین یو وڈ کم ٹو نو کہ جی آپ کو کتنی شرمندگی کا مزید سامنا کرنا پڑے گا۔ بہرحال یہ جو آئی ایم ایف کا معاملہ ہے، لیکن آئی ایم ایف آپ کو جو انڈیکیٹرز بتا دیے کل اس نے وہ بھی بڑھا، اس کے بعد مزید آپ دیکھ رہے ہیں اسٹاک نیچے ہی جا رہا ہے،
36,000 के पॉइंट्स तक पहुंच गया है। कहाँ 50,000 पे, 52,000 पे, 54,000 पे कह रहे थे कि हम छोड़ के गए थे नून लीग वाले, और अब कहाँ 36,000 पर आ गया है। तो ये भी एक मामला है। दूसरा, स्टॉक में मजीद पॉइंट्स गिरते जा रहे हैं, कभी 600 गिर रहे हैं, कभी 1,000 पॉइंट्स की कमी आ रही है, कभी पॉइंट्स, मतलब कंटिन्यूसली 8 महीने से जो बुरा हाल हो रहा है वो मेरे आपके सबके सामने। इन्वेस्टर्स, आप तो खुद भी चुके स्टॉक में देखते हैं चीज़ों को, आपको खुद भी आइडिया है कि सर्टेनिटी एक जो होती थी वो एक तो ख़त्म हो गई है, दूसरा कोई पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है। और उसकी बड़ी छोटी सी वजह है, आज टिल डेट यानी आज की तारीख तक अगर जो मार्केट में लोग इन्वेस्ट करते हैं, जब हम उनसे बात करते हैं तो ये कहते हैं कि हमें कोई इकोनॉमिक पॉलिसी नज़र नहीं आती। ये रोज़ाना की बुनियाद पर जो एक्सपेरिमेंट इकॉनमी के साथ, मईशत के साथ किए जा रहे हैं, जो तजर्बे हो रहे हैं, इसकी वजह से मार्केट में अभी काम करने से थोड़ा सा हमें बाज रहने दीजिए। और जब ये मामलात हमारी समझ में आ जाएंगे तो हम ज़रूर मार्केट के अंदर काम भी करेंगे और आएंगे भी। ये जो मकामी लोग हैं ये उनकी राय बता रहा हूँ, गैर मुल्कियों को तो छोड़ दीजिए। जो मार्केट में हम कहते हैं बैरूनी सरमायाकारी, वो अभी इस तरफ नहीं आ रहा है। अभी वसाइल के जो वज़ीर हैं वो ज़रूर फरमा रहे थे कि स्टॉक मार्केट बहुत जल्द 50,000 और इससे ऊपर भी जो है वो चली जाएगी। तो बहरहाल ये इस वक्त सूरत हाल है जी। बिल्कुल आपने सही कहा। नेक्स्ट आपको बताएं जी कि हिना रबानी खर ने फवाद चौधरी को हट जाने का नोटिस भेजने का ऐलान कर दिया है। फवाद चौधरी ने हिना रबानी खर पर करप्शन के इल्जाम आयद करते हुए कहा था कि साबिक वफाकी वजीर 2 साल से बिजली चोरी के केस में मुलव्वस हैं। बिल्कुल जी, इससे पहले भी खर जाने का नोटिस जा चुका है, उसका आज तक पता नहीं क्या हुआ। शहबाज शरीफ साहब ने एक इमरान खान साहब जो इस वक्त वजीर आजम पाकिस्तान है उनको एक हट जाने का नोटिस भेजा था और उन पर ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि उन्होंने धरने के वक्त जो 126 दिन का कोई धरना था उसमें शहबाज शरीफ साहब ने जो पैसों की कोई ऑफ़र की थी तो उसके ऊपर भी इसी तरह का जो है वो डिफेमेशन का केस जो है वो हुआ था। लेकिन अब तक क्या हुआ नहीं पता चला जी। आपको ये भी बता दें कि जी शहबाज शरीफ ने वजीर आजम इमरान खान को इलेक्शन कमीशन मेंबरान के नाम तजवीज़ कर दिए हैं। अपोजिशन लीडर ने खत के जरिए इलेक्शन कमीशन सिंध और बलूचिस्तान के मेंबरान के लिए 3-3 नाम तजवीज़ किए हैं। बिल्कुल जी, ये बड़ा मुश्किल मरहला है और कंसेंसस इसके ऊपर हो जाना ज़रूरी है। और अब क्योंकि अगला जो मरहला आएगा वो बल्दियाती इंतखाबात का है तो वो कंटेस्ट करना है सब ने, उसकी तैयारियाँ शुरू हो जाएंगी। तो अब कोशिश ये करेंगे कि इसके ऊपर ज़्यादा रहते हुए बात करें कि ये जो नुमाइंदे हैं जो मुंतखब होकर आएंगे क्या ये उसी तरह बेबस होंगे और ये भी गैर ज़रूरी होंगे, तो फिर इन इलेक्शंस की क्या अहमियत रह जाएगी, इसको बड़ी तफसील से गुफ्तगू करेंगे जी। अब उधर नवाज शरीफ साहब से मुल्की संगीन सूरत हाल पर बात हुई, जरदारी से भी मुलाकात होगी। फजल रहमान का कहना है मईशत नए हुक्मरानों के हाथों में हो तो अंदाजा किया जा सकता है कि क्या हाल होगा। और इस पर फवाद चौधरी का ट्वीट भी बड़ा कल इंपॉर्टेंट था, जिन्होंने कहा कि पहुँचनी तो एम्बुलेंस चाहिए थी, मौलाना फजल रहमान पहुँच गए। बिल्कुल जी, ऑक्सीजन लेकर गए हैं, इस तरह के बयान दिए हैं। और ये जो महाज खुला हुआ है ट्विटर के ऊपर यानी कि सोशल मीडिया के ऊपर, सामाजिक रबतों की जो वेबसाइट जिसे हम कहते हैं उनके ऊपर, तो यही इस वक्त सारी परफॉर्मेंस है। और बयान देना, उसके बाद वो जो ट्वीट्स होती हैं उनको डिलीट कर देना, माजी की ट्वीट्स भी अब तो गायब होना शुरू हो गई हैं, तो यही अब काम रह गया है। तो जितने मुल्क के अहम उमूर चलाए जा रहे हैं वो इसी सोशल मीडिया CN के सामाजिक रबतों की वेबसाइट के जरिए चलाए जा रहे हैं। आपको बताया लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस फारूख इरफान ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था कल, और ये कल की बहुत अहम इंपॉर्टेंट खबर है, अहम खबर है जी। हम इससे पहले भी देख चुके हैं कि जस्टिस फाइजीजा साहब जो थे उनको बहुत तहफ़ात थे, वो बहुत ज़्यादा वोकल होकर उन्होंने बात की थी अपनी, और फिर उनको भी क्रिटिसाइज भी किया कि बहरहाल ये आपको पता है ये जंगें तो हैं इदारों और रियासत और जो आपके जितने इदारे हैं, रियासत है और आपके जो हुक्मरान हैं उन सब के दरमियान की। बट द पॉइंट इज़ इस वक्त तवज्जो तलब बात मजीद बनती जा रही है कि अगर इस तरह जजेस भी हमारे बताएंगे चीज़ें और रिटायर होंगे या इस्तीफ़ा दे देंगे पहले से ही या नहीं कंटिन्यू कर सकेंगे काम, तो वो कौन सी कुव्वतें हैं या वो कौन से मामलात हैं जो उनको काम करने से रोक रहे हैं अपने, जिसकी वजह से मजबूर होकर इस नहज तक पहुँच जाते हैं लोग के जी रिटायरमेंट या इस्तीफे के नहज पर पहुंच जाते हैं और वो मुस्ताफी हो रहे हैं। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि जो जिसका डोमेन है उसको अगर उसमें काम करने दिया जाएगा नहीं तो फिर ये मुल्क चलाना बहुत मजीद मुश्किल हो जाएगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है और ख़ास तौर पर इतने अहम इदारे के और अहम अहदे के ऊपर फायज शख्स अगर कोई इस्तीफ़ा देता है तो यकीनन ये सबके लिए सवालिया निशान है। बहरहाल अभी हमने माजी करीब में देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब का केस जब हुआ तो उनके ऊपर भी कुछ चार्जेस जो है वो लगाए गए, फिर उसके बाद उसकी तहकीकात भी हुई। तो ये सारे मामलाते हैं अहम इदारे और बड़ी भारी जिम्मेदारी इनके ऊपर आयद होती है। बिल्कुल, जब तक इन इदारों में अपने ही हालात और मामला ठीक नहीं होंगे तो ये लोगों को कैसे इंसाफ दे सकेंगे या निज़ाम कैसे चल सकेगा, आम इंसान का निज़ाम कैसे चल सकेगा, ये पूरे सिस्टम पे
ریاست پہ، حکمرانوں پہ، سب پہ، اداروں پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے پاکستان کے اندر، کہ خدا را سب کو سب کے کام کرنے دیں ان کے ڈومینس میں رہتے ہوئے، ادروائز یہ چیزیں جو ہے آگے جا کے مزید کمپلیکیشن کا شکار ہو سکتی ہیں۔ بالکل ٹھیک جی۔ تو بہرحال آگے چلیں، آپ کو بتائیں ایک کیس رنجھانی قتل کیس تھا، اس میں بڑی کلٹوسٹ آئی اور بہت ساری چیزیں ہوئیں، مقتول کو اسپتال منتقلی کے دوران بھی گولیاں مارنے کا اس میں انکشاف سامنے آیا۔ ملزم رحیم شاہ نے ایمبولینس کے آگے آ کر رکنے کا کہا اور ہمیں آگے دیکھنے کو کہا، پھر اچانک ایمبولینس کا پچھلا دروازہ کھلنے اور فائر کی آواز بھی آئی۔ تو یہ کچھ جی اب ایک نیا اس میں کوئی معاملہ ٹوسٹ لے گیا ہے، عجیب کہانی ہو گئی ہے جی۔ یہ کلیم امام صاحب جو آئی جی اس وقت ہیں، یہ ان سے ایک درخواست ہے، ایک سوال ایک چھوٹا سا ان کے ساتھ ہے کہ یہ کیس جو ہے اس میں کیوں اتنی امپلیکیشنز آ گئی ہیں اور کیوں اس کی انویسٹیگیشن ابھی تک ٹھیک طرح سے نہیں ہو پائی ہے اتنے دن گزر جانے کے بعد بھی۔ ویسے ماضی میں بہت سارے اس طرح کے کیسز ہوئے ہیں لیکن ان کا کچھ نہیں ہوا، لیکن آپ کیونکہ اس وقت زیادہ پرو ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، زیادہ خبروں میں ہیں، تو ذرا اس کیس کے بارے میں بھی جلد از جلد انکوائری مکمل کر لیں۔ وہ ہو ہی رہا ہے کہ روزانہ ایک نیا گواہ اس میں پیش ہو رہا ہے اور ایک روزانہ نئی اسٹیٹمنٹ جو وہ ریکارڈ کرا رہا ہے۔ اب یہ جو کل کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے، جو وٹنس نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے، اس کے بعد پوری انویسٹیگیشن کی جو ڈائریکشن ہے وہ چینج ہو جائے گی۔ اب دوبارہ سے آپ کو اس کی انکوائری کرنی پڑے گی، تو اس معاملے کو خود دیکھیں اور جلد از جلد اس کی انکوائری مکمل کریں۔ دوسرا جی، ایک شوبز کے اس سے بھی ہماری کوشش ہوتی ہے، مختلف اس سے بھی آپ کو بات کریں گے، شوبز کی دنیا سے تھوڑی سی بات کریں تو پاکستان کے لیے ایک اعزاز کی بات اور کل بڑی امپورٹنٹ بھی رہی کہ جی کردار میں نکھار کے لیے عالیہ بھٹ نے کہا ہے کہ زندگی گلزار ہے کہ کشف کو دیکھنے پر مجبور ہیں وہ، کیونکہ اب ان کی ایک نئی مووی آ رہی ہے اور ٹریڈیشنل کائنڈ آف مووی ہے، تو اس میں اس کے لیے جو رول انہوں نے کردار ادا کیا اس کے لیے انہوں نے ہمارے یہاں کا ریفرنس دیا، تو یہ بہت پاکستان کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ جو باہر کسی بھی ملک کے اگر آرٹسٹ جو ہے وہ یہاں کے ایکٹرس کو ایکٹنگ کے لیے یا اپنے پروفیشن میں بیٹرمنٹ کے لیے ان کو فالو کر رہے ہیں، ان کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ ایک جو فیکٹر ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ بالکل جی، آپ نے ٹھیک کہا، اور یہ وہ معاملات ہیں جو پوری دنیا میں چلتے ہیں۔ بہرحال یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارا جو پڑوسی ملک ہے اس کی کبھی بھی کوشش یہ نہیں رہی کہ وہ امن کی طرف آگے بڑھے، ورنہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ فن و ثقافت جو ہے اس کے حوالے سے کام ہونا چاہیے تھا، اس کے اندر پروگریس ہونی چاہیے تھی، ایک دوسرے کے آرٹسٹ دونوں ممالک میں فریلی جا سکتے، کام کر سکتے، اپنے فن کا مظاہرہ کر سکتے، اور اسی طرح کھیلوں کو بھی فروغ ملتا۔ لیکن جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا کہ یہ پڑوسی ملک کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ وہ تناؤ کی کیفیت رکھے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے، یہ حکومتوں کی وہاں کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے، جس کا نقصان اب سامنے آ رہا ہے، اور اس کا نقصان ان کو بھی اتنا ہی ہوگا جتنا ہمیں ہو سکتا ہے۔ تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اگر ان تمام چیزوں کو روکا جائے گا، ان کا راستہ روکنے کی کوشش کریں گے، تو پھر اسی طرح آپ بھی تباہی کی طرف جاتے رہیں گے، اور جو سیکھنے کا عمل ہے یہ جاری رہنا چاہیے، یہ ختم ہو جائے گا، سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تو وہ بہت اچھی اداکارہ ہیں اور بہت اچھا کام کر رہی ہیں انڈاؤٹڈلی، اور اگر ان کو فالو کر رہا ہے کوئی وہاں سے دوسرے ملک سے، تو ڈیفینیٹلی ان کے ایکٹنگ انہوں نے، اور جو یہ جو زندگی گلزار ہے ون آف دی فیمس جو پلیئرز رہے ہیں آپ کے، ان میں سے ایک ہے زندگی گلزار ہے ہو گیا، اس کے علاوہ وہ جو تھا جس میں ماہرہ خان نے بڑا اچھی پرفارمنس دی تھی، تو جو ہمارے ہم ٹی وی کے ڈراماز ایسے ہیں انٹرٹینمنٹ کے، جو واقعی اور بھی نجی چینلس کے ایسے ہیں، لیکن کچھ اسکرپٹس ہمارے بہت اچھے بیچ میں آئے جو بڑے ہٹ ہوئے، ابھی بھی ایک دو کچھ پلیز ایسا چل رہا ہے ڈرامہ انڈسٹری میں جو کہ بڑے ہٹ ہوئے ہیں، ان میں جو ایکٹرز ہیں ہمارے وہ بڑے اچھے ورسٹائل کردار ادا کر رہے ہیں، جس کو لوگ بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ فالو بھی کر رہے ہیں اور اس کی فین فالوئنگ بھی بہت آگے جا رہی ہے۔ عمران اشرف کی میں اگر بات کروں، ابھی ایک کردار وہ ادا کر رہے ہیں، آج کل وہ ایک کردار بڑا ادا کر رہے ہیں، وہ میرے خیال سے بچوں سے لے کر بوڑھے بزرگوں تک سب کو وہ کردار بڑا وہ ہٹ کیا ہے، بڑا ٹچی وہ کردار ہے، اور اس طرح کے کردار نبھانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا، اور میں آن اے ویری لائٹر نوٹ، میرے لیے تو تھوڑا سمجھنا مشکل ہوتا ہے، میں آج تک صنم ماروی، صنم جھنگ، صنم سعید اور صنم جتنی بھی اس طرح کی ہیں ان میں فرق آج تک نہیں کر سکا۔ پہلے تو میں سمجھتا تھا شاید یہ کہ ایکٹر بننے کے لیے صنم لگانا ضروری ہے، تو بعد میں تھوڑا سا مجھے مشکل ہوا، لیکن یہ ہے کہ سمجھ میں آ جائے گا، ماشاء اللہ ساری صنم ہے ہمارے پاس، اور ساری صنم جتنی بھی ہیں، چاہے صنم جھنگ ہو، ماروی ہو، صنم بلوچ ہو، تو ہر ایکٹرس کے ساتھ کیونکہ صنم لگا ہوا ہے، تو پہلے میں یہ ناچی سمجھتا تھا کہ شاید ایکٹر بننے کے لیے صنم لگانا ضروری ہے، چلے، لیکن یہ ہے کہ ہمارا ڈرامہ جو ہے وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے،
और जो पड़ोसी मुल्क है इससे हट कर भी वहाँ चुपके चुपके लोग देखते हैं, इंटरनेट के ऊपर बताते नहीं हैं, लेकिन ये है कि वियतनाम और इस तरह के रीजन के और जो ममालिक हैं वहाँ पर भी ये पाकिस्तानी ड्रामास जो हैं उनकी ज़बानों में ट्रांसलेट करके दिखाए जा रहे हैं। बिल्कुल आपने ये सही कहा, क्योंकि देखिए एक इंडिया ने जो एक कैप्चर की थी मार्केट, एक टिपिकल टाइप वो दिखाते थे 100 करोड़ 200 करोड़ के जो, और वो ज्वेलरी पहन के भी सो रहे हैं, ज्वेलरी पहन के भी उठ रहे हैं, इस तरह की बड़ी आर्टिफिशियल उनकी उसमें, और पता नहीं कोई एक नागिन तो वो इंसान भी हो गया, तो वो पता नहीं जानवर भी हो गया, इस तरह की बड़ी आर्टिफिशियल चीज़ें उन्होंने दिखाई जो कि फिक्शन बेस्ड फिक्टिशियस स्टोरीज एग्जैक्टली, तो वो ज़्यादा लोगों को एक हद तक ही वो लोगों को पसंद आती है जो हकीकत से करीब तर चीज़ नहीं होती, वो एक हद तक लोग पसंद करते हैं। हमारे ड्रामास की इंडस्ट्री की ये बहुत अच्छी एक चीज़ है कि उसमें वो एट टाइम्स जो है, मतलब वैसे तो बीच में भी बहुत स्क्रिप्ट अभी क्रिटिसाइज भी किए जा रहे थे कि जी बहुत ज़्यादा ही ओवर हो जाते हैं, लेकिन कुछ स्क्रिप्ट इतने ज़बरदस्त हैं, इतने ज़बरदस्त हैं हकीकत से बिल्कुल रिलेट करते हुए, आम जिंदगी से बिल्कुल रिलेट करते हुए कि आम जिंदगी में एक मर्द या औरत के क्या मसाइल हैं, किन चीज़ों को वो फेस कर रहे हैं, किन चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेकर जाया जा सकता है, उसके ऊपर मबनी ड्रामास बनाए जा रहे हैं वो बहुत, और उसपे करेक्टर करना, खासतौर पे कोई इस तरह का करेक्टर, देखिए एक नॉर्मल इंसान का करेक्टर करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन थोड़ा सा एक डिफरेंट परसेप्शन का कोई उसमें करेक्टर दिखाया जा रहा है या कोई माइंड सेट का करेक्टर दिखाया जा रहा है, तो वो करना मेरे ख्याल से वो एक बड़ी अचीवमेंट। बिल्कुल आपने सही कहा, एक चीज़ इसमें और शामिल कर दूँ वो ये कि अभी क्योंकि फिल्म और ड्रामे की बात हो रही है तो हमारी जो मूवीज़ हैं वो भी अब अच्छा काम कर रहे हैं, जितने मूवी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं, खासतौर पर अभी गुज़िश्ता दिनों एक मूवी जाकर देखने का इत्तेफाक हुआ, लाल कबूतर उसका नाम था, बहुत अच्छी मूवी, बहुत अच्छा उसका स्क्रिप्ट स्टोरी बोर्ड बहुत अच्छा है, अच्छी उसकी डायरेक्शन है, प्रोडक्शन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा उसमें कैमरा एंगल जो इस्तेमाल किया गया, उसको भी जाके ज़रूर देखें, अपने सिनेमा को प्रमोट करें, और यकीनन ये जो आप फिल्में देखा करते थे पड़ोसी मुल्क की उससे बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा उसका स्क्रिप्ट है, तो ज़रूर जाके ऐसे मूवीज़ को देखें और सपोर्ट करें। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ब्रेक पे चलते हैं, आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आज के वार्डरोब की बात करते हैं। जी आज का ब्यूटीफुल सा वार्डरोब है, बहुत प्यारा मज़े का कट्स पे बनाया गया है जी, लाइबास कलेक्शन में भेजा है, ब्लू लाइट ब्लू एंड डार्क ब्लू का कॉम्बिनेशन है, और इस पे सेलर गर्ल लिखा हुआ है, सेलर गर्ल्स लिखा हुआ है, आई एम नॉट रॉन्ग, यस, और डिज़ाइन इस तरह का बना हुआ है, आई डोंट नो इसको एम्बोज कहते हैं शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये एम्बोज का काम हुआ है, एम्बोज हुई भी है, ये बहुत अच्छा है, नीचे भी बड़ा गर्लिक टाइप का जी, ये पेरिस वेरिस और गर्ल की इन्होंने एक पिक्चर जी पेस्ट की हुई है, मुझे लग रहा है ये पेस्टिंग वेस्टिंग वाला काम है। कट्स पे काम हुआ है, बहुत मज़े की बात ये है कि ट्राउज़र भी बहुत डिफरेंट कट्स पे हैं, बहुत अच्छा खूबसूरत बनाया गया है जी, कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा है, और इतना लाइट फैब्रिक है, देखिए कोई चीज़ होती है आपको दिखने में तो लग रहा होगा कि ये जीन्स पे बना हुआ है फुल ड्रेस, लेकिन ये बना हुआ फैब्रिक कोई और है, और लुक आपको बिल्कुल वेस्टर्न पे जीन्स पे दे रहा है, तो ये बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि जी आप देख रहे हो आपको दिखने में क्या लग रहा हो कि बिल्कुल वेस्टर्न टच पे जीन्स के टच पे लग रहा है, लेकिन ये गर्मी में आप पहन सकते हैं, इतना हल्का फुल्का इतने मज़े का ये स्टाइल बनाया गया है जी, और बहुत मज़े का है, स्लीव्स बड़ी मज़े की हैं जो मुझे बड़ी पसंद आ रही हैं, और कॉलर नेक दिया हुआ है इन्होंने, तो थैंक यू सो वेरी मच लाइबास कलेक्शन, इब्राहिम तार वाला हमारे डिज़ाइनर हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और ज़रूर आप विज़िट करें लाइबास कलेक्शन की, इस तरह की कल भी जो मैंने पहने था इनके ही ड्रेसेस अब इस हफ्ते में चल रहे हैं, बहुत अच्छी कलेक्शन है, ये देख रहे हैं आप इनके पास हर किस्म की कलेक्शन है, परसों जॉर्जेट में थी, कल कॉटन में, वो लाइट कलर्स में थी, और ये तो ये थोड़ा गर्लिक टाइप में भी, और जो यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स हैं, जो स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं, हाथों पर जो ऑफिस के लिए जा रही होती है उनको बड़ा कंफर्टेबल फील होगा इस तरह के लाइट लाइट से कपड़े पहन के, क्योंकि गर्मी बहुत है, मैं बार बार कह रही हूँ, ये भी आप देखिए शर्ट का कलर कितना लाइट है, क्या आप इसको समर में वेयर कर सकते हैं, तो तारिक रोड पर इनकी मेन आउटलेट है लाइबास कलेक्शन के नाम से, और बहुत अच्छे इनकी सारे हर फैब्रिक में हर मटेरियल में ये काम कर रहे हैं, ये एक बहुत अच्छा है कि कुछ डिज़ाइनर होते हैं सेलेक्टेड मटेरियल पे काम कर रहे होते हैं, ये तकरीबन सारे ही मटेरियल पे काम करें, जॉर्जेट कॉटन लॉन हर लिहाज से, तो शिफॉन हर एक चीज़ पे, दैट पे भी मज़े के अभी आगे भी इनकी कलेक्शन आ रही है, आप देखेंगे मुझे पहने में, तो थैंक यू सो वेरी मच इब्राहिम तारवाला, इनका फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे पेज है, ये स्टोर भी अलावा इस कलेक्शन के नाम से, डू विजिट देयर, और बहुत रीज़नेबल प्राइस में आपको बहुत अच्छे कपड़े मिलेंगे, सबसे अच्छी बात यह है क्योंकि ख़वातीन को बजट में चाहिए उतने कपड़े की जी, कम बजट में चाहिए हमें, और उनको सबसे ज़्यादा शौक़ होता है जी बार्गेनिंग कराने का, तो सबसे ज़्यादा सबसे अच्छी खुशखबरी है कि कम बजट में आपको मिलेगा, अभी भी इनकी कुछ परसेंट डिस्काउंट चल रहा है। वेल थैंक यू सो वेरी मच फॉर सेंडिंग अस दिस ब्यूटीफुल ड्रेस, के साथ एक ब्रेक पर चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपने कहीं ज़्यादा स्टेटिंग तक के लिए मॉर्निंग कराची।
वेलकम बैक वंस अगेन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम के आगाज़ में बात हुई कुछ खबरों के हवाले से, खबरें आपके साथ शेयर की और इसी से मज़ीद जुड़ी जो खबरें हैं उसके ऊपर भी प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी और साथ आपकी लाइव कॉल्स का सिलसिला भी जारी रहेगा। जी ठीक है, जी ठीक कह दिया है। तो लाइव कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं और यकीनन बहुत सारे प्रोग्राम करने के बाद जो है थकावट का इंसान ज़्यादा शिकार हो जाता है और ये काम बड़ा मुश्किल है। और अभी हम यही बात कर रहे थे कि देखना बड़ा आसान होता है टीवी पे बैठ के, जो लोग देखते हैं टेलीविज़न का शो करना, होस्ट करना, इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाना, इस इन्फॉर्मेशन को पहुँचाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसके लिए बैकग्राउंड में बड़ा काम होता है, बड़ी एफर्ट करनी पड़ती है, तो ये तमाम चीज़ें तब जाकर जो है वो आप तक पहुँचती हैं। बहरहाल एक लाइव कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से बात करें? वालेकुम अस्सलाम, रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी कराची। जनाब अली फरमाइए, क्या कहेंगे? सर जी आज जब सुबह का सूरज तुलू हुआ तो दूध की कीमत 110 रुपए हो गई। बिल्कुल, वो रात को ही कर दी गई थी। बिल्कुल सॉरी, 120 रुपए हो गई। मेरे साथ रिटेलर बैठा है तो उसने मुझे कहा कि दुकानदार है, उसने कहा हम 120 रुपए बेच रहे हैं। जी जी। सेकंडली ये कि जो अभी कल जो वाकया हुआ है, जो नुसरत भुट्टो कॉलोनी में जो बच्चे तीन जहाँ बाग हुए हैं, उनके घर वालों को अल्लाह ताला सब्र जमील दे, लेकिन ये आखिर कब तक होता रहेगा? बच्चे गेंदों के पीछे जाके अपनी जाने कब तक गंवाते रहेंगे? ये जो हुक्मरान है, ये जो इंतजामिया है, क्या ये सोई भी है? क्या ये इस दिन का इंतजार करती है कि कोई सानिया पेश आए? क्या फायर ब्रिगेड और जो दूसरी रेस्क्यू इदारे थे इनके पास तो लाइटें भी नहीं थी? ये तो मीडिया को सलाम है कि वहां उन्होंने अपने कैमरे वाली लाइटें जो है वो दी और लाइट का बंदोबस्त किया। इतनी गरीब है, इतनी कर में वो है कि किसी किस्म की इक्विपमेंट, किसी किस्म की चीजें नहीं थी कि इनको जो है रेस्क्यू किया जाता। तीसरा ये कि अभी गुलबई पे सुबह सुबह जो वाकया हुआ है आज, है ना, वहां पे कई घंटे आग लगी रही, लोग जो है वो पेट्रोल भर के लेके जाते रहे। आखिर ये कब तक चलता रहेगा? आखिर चेंज कब आएगा? गरीब आदमी को इंसाफ कब मिलेगा? दूध का दूध को 120 रुपए, आप गरीब के तो गरीब तो अपने बच्चे को दूध पिलाने से भी रहा, अगर बच्चा रात को कह के मुझे जी दूध पीना है तो उसका बाप उसको कहाँ से ला के देगा? तो हुकूमत को चाहिए कि खुदारा कल हमने अल्लाह को जान देनी है और अल्लाह को अपना मुंह दिखाना है तो हम ऐसे कोई काम करके चले जाएं कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बचा फरमाया, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया आपका रियाज खान साहब, आपने हमें कॉल की, प्रोग्राम में शामिल हुए। और ये जो इस वक्त मौजूदा हालात हैं और ख़ासतौर पर शहर कराची में इस वक्त जो सूरत हाल है, इस हवाले से बात कर रहे थे। यकीनन ये बड़ी तकलीफ़ दे खबरें हैं और उससे भी ज़्यादा तकलीफ़ दे बात यह है कि ये जो महंगाई का ना रुकने वाला सिलसिला है ये जारी है और रोज़ाना की बुनियाद पर कुछ इस तरह की खबरें आती हैं। जैसा अभी फरमा रहे थे मौसूफ कि रात को जब हम सो रहे थे तो हमें नहीं पता चला कि कीमतों में इजाफा हुआ और सुबह जब उठे हैं तो अचानक से जो है इसको इसकी कीमत पर लीटर जो है वो 120 रुपए तक जा पहुंची है। तो ये एक शदीद अजियत का लोगों को सामना है, तकलीफ़ का शिकार हैं और वो ये सवाल कर रहे हैं इस वक्त तमाम हुक्मरानों से कि जो दावे किए गए थे महंगाई को काबू करने के लिए और ये तमाम चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, तो सबके सामने बेबस नज़र आते हैं। एक और लाइव कॉलर है, अच्छा चलें, तो ये लाइव कॉल्स का सिलसिला जारी रहेगा। जी अब आप कुछ कहिए महंगाई के हवाले से, खास तौर पर कि आपकी क्या समझ में आता है और खास तौर पर जो दूध की कीमतें बढ़ी हैं इस पे आप कुछ कह सकती हैं या आप भी हुक्मरानों की तरह खामोश हैं? कि दो नहीं एक पाकिस्तान का नारा लगा के दो नहीं एक रोटी खाने का कह दिया है। कितनी अफसोसनाक बात है कि इस तरह के बयान ना पूछा करें, मुझसे पूछेंगे तो फिर सब तरफ आग लग जाएगी। आग लग जाएगी वैसे ही शहर में जो हर तरफ आग लगी हुई, अल्लाह रहम करे। एक और लाइव कॉलर है, उन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से बात करें? वालेकुम अस्सलाम, ईजार आसानी बोल रहा हूँ आप जनाब। रेगुलर कॉलर भाई, ये दूध की कीमत सुन के इन्हें आदमी के हवास खत्म हो गए। 120 रुपए किलो अभी दूध जो है जीरो से लेकर 100 साल तक बुढ़े हुए पीते हैं, नहीं पीते हैं जी। ये दूध तो बुनियादी जरूरत है, ये चाहिए हुकूमत को कि भाई इनको बढ़ने नहीं देवे। तो दूसरी बात ये है कि जिनके पास पैसे हैं वो दूध पिलाएंगे अपने बच्चों को, जिनके वो नहीं है वो क्या करेंगे? जिनके पास मेडिसिन के पैसे हैं वो मेडिसिन खाएंगे फैमिली को, नहीं है तो वो क्या करेंगे? ये सवाल है कि हुकूमत को इसका जवाब देना चलेगा क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं है, बहुत मुश्किल हो गया। बड़ी मेहरबानी, अल्लाह बहुत शुक्रिया आपका। निज़ार साहब आपने भी उसी मसले की तरफ निशानदेही करवाई और इसमें जो सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात है रिदा वो ये कि अभी माह मुबारक यानी रमज़ान मुबारक जो है वो करीब है और उसकी आमद से पहले ही ये सूरत हाल है कि अशिया खुर्दोनोश या जितनी कमोडिटीज़ हैं उसके ऊपर कीमतों में इजाफा हो रहा है, अद्वियात की कीमतों में इजाफा हुआ
और इस पे ऊपर ना अभी कोई सूबाई हुकूमत ना वफाकी हुकूमत इसके हवाले से ना कोई बात कर रही है ना इसके ऊपर संजीदगी का मुजाहरा कर रही है, बल्कि मशवरे ये दिए जा रहे हैं कि एक रोटी खा लें। अभी हो सकता है, बहुत मुमकिन हो कि कोई वफाकी वजीर ये भी फरमा दें कि लोग जब वो दूध पीने से गुरेज करें और किसी और तरफ जाएँ, वो भी लग्जरीज में आता है। बहुत मुमकिन है ये भी कह दिया जाए, क्योंकि इनसे कोई बईद नहीं है जिस तरह की बातें अभी इन्होंने की हैं। आवाम का तो इस वक्त बस नहीं चल रहा है, इनकी ऐसी तैसी कर दें, ये लोग अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे हैं, हीरो समझ कर आए हैं, जीरो निकले। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये जीरो निकले हैं, और अभी भी सवाल ये पैदा होता है, बार बार ये सवाल दोहरा रहे हैं, जैसे वजीर मौसूफ एक आदि वसाइल के वजीर चलाई थी मुझे याद है, वो एक जज्बाती किस्म की किसी एक, वो आपको पता है आजकल तो हर चौराहे चौक पे जो है ना एक तकरीर करने वाला आपको मिलता है आजकल, जो पत्ते खेलते हैं जिसको हम कहते हैं, क्योंकि हम भी अब जमाने में डिबेटर रहे मुल्क लेवल के, लेकिन हमने इसीलिए उससे जल्दी इस्तीफा ले लिया, प्री मेच्योर रिटायरमेंट ले ली, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आई, वो कख समझ ही नहीं आई मुझे कि ये लफाजी पे बैठ के इनामात जीतना मेरे लेवल और कैलिबर की बातें नहीं है वो। तो बहरहाल तो वो जो है हुआ ये कि वो एक मोहतरमा है, उनके कोई रिश्तेदार भी है एक चैनल में, अच्छा, तो वो उनकी प्रमोशन भी करते फिर रहे होते हैं, तो वो मेरे ख्याल से होंगी कोई 18-20 साल की है, 20-21 साल की मोहतरमा, तो वो उन्होंने इनके कैंपेन में उन्होंने बहुत ज्यादा उनको अपना आगे रखा, जिसपे उन्होंने यही नारे लगाए थे कि जी जहाँ गरीब का कुत्ता भी जो है इससे नहाए वो खाए ये करे, ये हमें पता है, ये हम शुरू से देखते आ रहे हैं, कोई आज की बात नहीं है, जब लोगों को इमोशनली जज्बाती करना हो, जब लोगों के इस चीज से खेलना हो, लोगों की ये चीज बंद करनी हो, उस तरह फिर इस तरह के लफाजी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन लफाजी से कुछ नहीं होता। आज असद उमर किस बात पे मार खा रहा है, इसी बात पे ना कि जी आपने बातें और दावे करने से खाली या बोल बड़ियां करने से क्या आपकी मईशत ठीक हो जाएगी, क्या आपके घर का चूल्हा ठीक हो जाएगा, क्या आम आदमी जो है वो दो वक्त की रोटी उसको नसीब हो जाएगी, क्या मजदूर को वक्त पे मजदूरी मिल जाएगी, क्या मजदूर का जो मसला आपके सामने कल आया था हमारे सामने कितना बड़ा, उसकी टाइम लिमिट्स क्या शॉर्ट हो जाएगी, क्या उसके हकूक जो है वो उसको वक्त पे मिल जाएंगे। हकूक तो यहाँ सल्ब हो रहे हैं, यहाँ तो आपने जीना मुहाल कर दिया लोगों का। आप बात करते थे 8 महीने में दूध की नहरें बहा देंगे, आपने किया क्या इस आवाम के साथ, आपने इस आवाम को धोखा दिया है। इनको तो चाहिए कि आगे आके माफी मांगे लोगों से, आवाम से कहें हमसे गलती हुई है, हमने झूठ बोला, हमने कंटेनरों का सहारा लेके, अवामी कुव्वत का सहारा लेके इस मुल्क के साथ ज्यादती की है, लेकिन अफसोस के साथ ये नहीं कर सकते, ये इनकी इतनी हिम्मत ही नहीं है। आपने देखा था कल भी क्या था, रोने वाली तो इनकी हालत हो गई है, किसी प्रोग्राम में दो सवाल कर लो तो ये आगे से कहते हैं अल्लाह के वास्ते हाथ जोड़ने लग जाते हैं कि हमसे सवाल ना करो, ये तो इनकी हालत है, ये तो इनकी कैफियत है, क्या करेंगे ये इस मुल्क के साथ। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और ये ऐसा ही लगता है कि दांत के डॉक्टर से जो है वो दिल का इलाज करवाया जा रहा है और उसको सर्जरी का कह दिया गया है। अब देखते हैं कि क्या होगा, क्या नतीजा निकलेगा, और अगर कोई दांत का डॉक्टर अगर दिल का इलाज करेगा तो फिर क्या नतीजा निकल सकता है। आपने को याद है ऑन रिकॉर्ड मेरे स्टेटमेंट है, मैंने तरीके इंसाफ की हुकूमत को कभी भी सपोर्ट किया ही नहीं था, ना इलेक्शन, जो लोग कह रहे हैं ना कि आज लोग वो कर रहे हैं, अभी इस वक्त सोशल मीडिया पर ये चल रहा है नाउ एंड देन वाला, ठीक है कि देखो जी इलेक्शन कैंपेन पे बड़े बड़े अपने आप को आए सीनियर रैंकर पर्सन कहने वाले, सीनियर तजियाकार कहने वाले, क्या करते थे जी आएंगे दूध की नहरें बहा देंगे, नवाज शरीफ और जरदारी ने तो मुल्क लूट लिया, बर्बाद कर दिया, हाय हम मर गए पिट गए। तो भाई अभी क्या हो रहा है, हम जी रहे हैं क्या? आज तो वो आपकी जायज चीजों को भी लग्जरी बना बना के पेश कर रहे हैं, रोटी को कह रहे हैं कि दो नहीं एक रोटी खाओ। नवाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट वो जो बार बार बीच में दिखा रहे थे साबिक वजीर आजम के टाइम का, कि वो ये कहते थे अपने जलसों में कि जी आप इस वक्त आवाम जो है वो 25-30 रोटियां लेने के काबिल है एक बंदा, वो यहाँ इनके वुजरा कह रहे हैं कि नहीं जी दो भी नहीं, आप तो एक ले, मुझे पता है एक के भी काबिल नहीं है, खुद अपनी परफॉर्मेंस बता रहे हैं कि जी ये परफॉर्मेंस है कि 25-30 रोटी लेने वाला आज एक रोटी भी नहीं ले सकता। ये इनके हालात है, इनके अपने एंकर जो है वो ये बोल रहे हैं कि नहीं जी अल्लाह अल्लाह तौबा तौबा ये क्या हो गया हमसे, नऊज़ु बिल्लाह हमने तो कोई गुनाह कर दिया लोगों को इनकी तरफ रागिब करके। बिल्कुल, ये हालात है। बहरहाल कॉलर हमको शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम, अनवार अल्लाह तबासी अर्ज कर रहा हूँ नाजमाबाद से। जी फरमाइए, क्या कहेंगे? मेरी बहन ने माशाल्लाह बहुत अच्छी बात की। बात यह है कि असल जो मसला हमारा अलमिया है वो ये है कि लीडरशिप जो है वो दयानतदार कहीं पर भी नहीं है। अगर अमानतदारी और दयानतदारी होगी तो ये मुल्क तरक्की करेगा। यहाँ पर सारे सिफारिशी भर्ती हुए हैं, सिफारिशों पे ऊपर आते हैं और सिफारिशों के ऊपर वो काम करते हैं। वो लोग जो कि ये पगडंडियां पकड़ पकड़ के चलने वाले और एक दूसरे के साथ
जो सेंसियर नहीं है, जो गवर्नमेंट जो है वो अपने कोई अजम नहीं है उसका, वो सिर्फ और सिर्फ कंटेनर पे चढ़ के उन्होंने वादे किए। वो मुराद सही साहब की बातें शायद आपको याद हों, फिर उनका आज़म उनका ये है कि बस दोनों दूसरी पार्टियों को जो है ना चोर कहते रहे पूरा दिन, बस सिर्फ ये आज़म रह गया है, ये पक्का आज़म कर रहा है। 1,000 डॉलर अरब डॉलर आ जाएंगे और एक दिन में जो है ना वो हम पाकिस्तान का कर्जा खत्म कर देंगे। और ये कर्जा भाई, बात यह है की यहाँ पर क्रेडिबिलिटी किसी के पास नहीं है सिवाय के सिवाय एक ईमानदारी और ईमानदारी भी आप देखें सिर्फ जमात इस्लामी के पास है यहाँ पर पाकिस्तान में। अगर जमात इस्लामी के अलावा कोई एक पार्टी आप दिखा दें जिसके ऊपर करप्शन का इल्जाम ना हो, वो करप्शन का इल्जाम तमाम लोग जो पाकिस्तान के अंदर जो लीडरशिप बड़ी से बड़ी लीडरशिप है आप सबको उठा के देख लें, सारे के सारे बदयानत चोर हैं, लुटेरे हैं, बिल्कुल आपने के पास कोई प्रोग्राम नहीं। बिल्कुल आपने ठीक कहा अनवर साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में कॉल किया, आपने निशानदेही भी की एक जमात की, बिल्कुल ऐसा ही है। और लोगों का एतमाद जीतना होगा और आगे आना होगा, इस बात को मेक श्योर करना होगा, यकीनी बनाना होगा कि लोग आपके ऊपर एतमाद करें, एतबार करें। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि दयानतदारी की कमी है और यही वजह है कि जिसकी वजह से कंसिस्टेंट फेलियर जो है वो सामने आता है और कोई पॉलिसी इस वक्त नज़र नहीं आती। इससे पहले भी कोई पॉलिसी ऐसा सच नहीं थी, लेकिन हालात गुजरते वक्त के साथ बेहतर हुए और फिर उसके बाद एक नई हुकूमत, फिर नए चैलेंजेस और दोबारा से आप उसी पोजीशन पर वापस आ गए। तो ये क्योंकि एक सिस्टम में एक बहुत बड़ा हमारे फ्लॉ है, इसको भी दूर करने की ज़रूरत है। इसके ऊपर भी बात करते हैं, एक लाइव कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? सर भाई और रिजा, आप लोग कैसे, खैरियत से हैं? जी ठीक हैं। अच्छा, हमारे यहाँ ना बहुत आजकल ना एक आसान तरीका निकल गया, पूछे क्यों मुझे अगर अपनी मर्जी का रेट बढ़ाना ना, जैसे मुझे 5 या 10 तो मैं उसको 30-40 करूँ ताकि मैं अपने रेट पे आ जाऊँ। तो अब मैंने दो तीन साल दूर वालों को ये देखा है कि उनको अगर 10 पे बढ़ाना होता ना, वो बोलते 20 रुपया 25 रुपया, ताकि अब मीटिंग होगी कमिश्नर से, वजीर आला सबसे, तो बोले यार चलो यार 10 पे बढ़ा। अच्छा वो 10 रुपये कहते लाजमी 5 बढ़ा, यानी सबने ये तय अपना लो, एक पूरी माफिया ने ना पाकिस्तान को घेरे में ले लिया, चाहे वो दूध माफिया से लेके पेट्रोल माफिया से लेके सबने, और जो चीनी माफिया से लेके, सही है ना? असल में वो 5 रुपये बोलेंगे ना तो कमेंट बढ़ाए, अब उनको पता क्या मैं 20 रुपये बोलूंगा ना कम से कम 10 तो बढ़ेंगे। असल में एक माफिया जहन काम कर रहा है, इसको हकीकत बताऊँ कोई भी सही कर सकता था इस मुल्क में। यकीन करिए, बोलते ना हम लोग हैं डंडे की बेसिकली कॉम, तो हम लोग सबको अपनी मर्जी, मेडिसिन वाले 2% बढ़ा, 200% बढ़ा, कोई कुछ नहीं, इस मुल्क में किसी को नहीं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ठीक ठीक है अशरफ साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में कॉल किया। और यही इस वकीला लोग कर रहे हैं, यही शिकवा कर रहे हैं, यही शिकायत कर रहे हैं कि कोई अथॉरिटी नज़र नहीं आती, कि ये जो रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतों में मनमाना इजाफा हो रहा है, अद्वियात की कीमतों में, कमोडिटीज़ में, कंट्रोल करने वाला कोई मसला ये हो गए बड़े बदमाश, इनको आइडिया हो गया है मुल्क पे हुक्मरानी करते करते। यहाँ पे इन्होंने कहा ना कि जी ये जो है वो ये माफिया हो गया है, ये इसमें कोई शक की बात है ही नहीं, किसी भी 1% शक को शुबा नहीं है, ये सारे ये माफिया हो गए, ये बदमाश हो गए, ये साइकी से खेलने लगे, लोगों की आवाम के जज्बात से खेल रहे हैं, उनके साइकोलॉजिकल उससे खेल रहे हैं, मेंटालिटी से, कि भाई किस तरह कहाँ हिट करना है, कैसे इनको काबू में करना है, कैसे इनको करना है कि जी पहले इतने प्राइस बढ़ा बता दो, उसमें से फिर 10 रुपए बढ़ा दो, तो आवाम कहेगी यार देखो चलो 40 रुपए तो नहीं बढ़ाए ना, 30 रुपए नहीं बनाए। लेकिन ये बड़े घटिया पने की स्ट्रेटेजीज हैं जो ये इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसके नुकसानात ही हो रहे हैं, इसके मनफी मजमरात तुम्हारे सामने आ रहे हैं, कोई हम देख नहीं रहे कि जी पॉजिटिव इसके कोई कॉन्सिक्वेंसेज आगे जाके बिल्डअप होंगे। और ये हुकूमत, इसने तो जो लोगों के साथ करना है किया है और जो कर रही है और जो करना चाहती है, ये तो इस मुल्क के साथ मैं बार बार कहूंगी कि इनको माफी मांगनी चाहिए। फवाद चौधरी को रोजाना बैठ बैठ के ये एक दूसरे के नाम ले लेके कि जी फला की इतने अरब रुपए खरब रुपए की करप्शन, भाई वो तुम्हारा काम नहीं है, छोड़ दो, वो अदालतों को करने दो, तुम्हारा जो काम है वो तो तुम कर लो, जिसके लिए तुम्हें लेकर आया गया है, जिसके लिए तुम्हें बिठाया गया है, अगर तुम वो नहीं कर सकते तो फिर बक बक करके लोगों के दिल को मजरूह भी ना करो, उनके जज्बात को मजरूह ना करो, उनके साथ मत खेलो, उनके साथ ये सितम ना करो कि तुम्हें जो है वो फिर लोग जो है ना, अभी तो इनके प्रेस क्लबों में सिर्फ बंद हुए थे एंट्रेंस, ऐसा ना हो कि इनकी सड़क पे भी जो है एंट्रेंस बंद हो जाए और आवाम जो है ना इन लोगों को गुजरने भी ना दे कहीं से, ये इनको सोचना पड़ेगा अब जिस तरह से काम कर रहे हैं। शेख रशीद साहब ने कल कहा कि अजाब तो नहीं आ जाएगा, महंगाई हो जाएगी तो महंगाई हो जाएगी, कोई अजाब तो नहीं आ जाएगा, ये मतलब कहा था कि ये जो गोश्त महंगा हो गया है, गोश्त महंगा हो गया तो कोई अजाब नहीं आ जाएगा। ये आप एक दो बातें सुन लीजिए, और ये नेप का जो महकमा है इसका नाम रखना चाहिए पुल सराफ, और इसका बादशाह जो है
इमरान खान होना चाहिए फिरौन, और जनाब अब्दुल्ला शाह गाजी साहब के जो मजार है वहाँ पे वो लगवाते हैं, ऊपर चढ़ने के लिए बुजुर्ग आ रहे थे, उनसे उनसे ऊपर नहीं चढ़ा जा रहा था, मजदूर थे, वो जो लिफ्ट होती है लिफ्ट लगवाने के लिए जरा जरा इदारे से बात करें किसी से। अच्छा ठीक है, तहरीक इंसाफ है मगर इंसाफ नजर नहीं आता, तहरीक इंसाफ इंसाफ नजर नहीं आता। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अलमीदी साहब। और ये अच्छा ही एक पॉइंट उन्होंने कहा है, लेकिन हाँ बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि बात भी करें। बरहाल ये आप शेख रशीद साहब का भी आपने स्टेटमेंट देखा ना कि ये क्या वे वे अब लोग आप देखें ना इनकी इनके बुजुर्गों के स्टेटमेंट देखें आप, बिल्कुल पागल वाले स्टेटमेंट दे रहे हैं। एक कहता है कि जी वो अगले हफ्ते जो है आप देखिएगा कि लोग कम पड़ेंगे, नौकरियां ज्यादा पड़ेंगी, यानी कि तुम जो है वो 20-22 करोड़ की आबादी में ये कोई 40-45 करोड़ नौकरियां निकालने वाला अच्छा, है ना? यही एक बड़ी अजीब बात है कि सोचने की जरूरत ये कि इस तरह के बयान जो दिए जा रहे हैं इसको कम से कम रोकने की कोशिश करें, बार बार ये बात दोहरा रहे हैं, और ये हम ही नहीं जितने भी लोग हैं चाहे वो सराय अबलाग से ताल्लुक रखते हों या किसी भी शोबे से ताल्लुक रखते हों, पाकिस्तानी आवाम ये सवाल कर रहे हैं कि जब आप कुछ नहीं कर सकते, डिलीवर नहीं कर सकते, तो खुदारा इस तरह के बयान देने से भी गुरेज कीजिए। और ये जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है जो इस वक्त बयान दिए जा रहे हैं, कहीं मशवरा दिया जा रहा है कि एक रोटी खाना शुरू कर दें, अभी जो हालिया दूध की कीमतों में इजाफा हुआ है, अब इसके बारे में जिससे भी सवाल करेंगे तो वो हमें बेबस नज़र आएगा। जिस तरह हर मामले में जब आप सवाल करते हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है, तो उसके जिम्मेदार का तायुन करने के लिए सूबाई हुकूमत वफाक की तरफ और वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत की तरफ इशारे करती है, तो ये मामला चलता रहेगा और ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। बहरहाल जी आपने ये सही कहा कि एक दूसरे के ऊपर एक तो बाजियां फेंकी भी जा रही हैं, वो कहते ना वो कैच कराने वाला वो एक जो है, मैं मुझे बिल्कुल अवामी सतह पे आके बात करनी पड़ती है ना, मैं क्या करूँ, ये तो बैठ गए ठंडे कमरों में कुर्सियां गर्म करने के लिए, मगर इनको इस बात का अंदाजा नहीं है कि ये जो कर रहे हैं अवाम के साथ और इस मुल्क के साथ ये क्या करने जा रहे हैं। बट ये कि वो कहते ना कैच खेलना, तुम पकड़ो बस, वो बॉल किसी ने अपने सर्विस कहते हैं जिसके ऊपर रुकती है उसी को करना पड़ता है फिर वो काम, तो वो बॉल जो है ना कोई अपने हाथ में पकड़ना चाह नहीं रहा, कोई लेना चाह नहीं रहा, क्योंकि उसको मालूम है कि जिसके हाथ में वो बॉल आएगी वो जो है फिर उसी को काम करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना जो बोले वही निकोले वाला मामला है। तो बहरहाल ये सारे मामला आते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इससे कुछ अच्छा नहीं हो रहा, ये तो आपके इंडिकेटर्स बता रहे हैं। द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, ADP की रिपोर्ट आपकी सारी, और फिर आपकी अभी IMF ने जो रिपोर्ट दे दी है, और जो सर्वेज आपके बता रहे हैं, और जो फिर लिख रहे हैं इंटरनेशनल जरीदे भी, वो आपके सामने है सारा, कहाँ कहाँ डिफेंड करेंगे, ये किस तरह से डिफेंड करेंगे। एक कहता है कि जी अगले हफ्ते जो है वो हमला होने वाला है, एक कहता है अगले हफ्ते जो है वो नौकरियां होने वाली हैं, मतलब देयर टू कॉन्ट्राडिक्टेड, बिल्कुल अलग ओपोजिट जो जा रहे हैं ना। अब इसमें बता दें कि किसकी माने किसकी सुने, कौन से वाले वजीर मौसूफ की बात को अग्री किया जाए और पूछा जाए कि भाई आप बता दें कि आप अच्छाई के इंडिया दे रहे हैं, एक कह रहा है कि जी उसमें जा रहे हैं। आई मीन दिस इज वेरी स्टुपिडिटी जिसे कहते हैं, आई मीन दे डोंट नो कि इनको क्या बोलना है, बस बैठना है इनको प्राइम टाइम स्लॉट में और कोई भी चवल मारना है, जैसे कहते हैं कोई चवल मारना है, ताकि वो दो चार हफ्तों तक जो है ना वो हेडलाइंस की जीनत बना रहे, और ये होता है काम वाम इनमें करना नहीं है, इन सबको हॉलीवुड का हीरो बना दो, इन सबको हॉलीवुड में भेज दो, वहाँ कामयाब तरीन होकर आएंगे, ये जितने यहाँ इन्होंने नाकामी के झंडे गाड़े हैं ना, वहाँ जाके ये कामयाबी तरीन के जो है ना वो झंडे गाड़ कर। फ्री में आपको मशवरा भी जो है वो मिल गया, अपना काम छोड़ के किसी और काम की तरफ जाइए, लेकिन खुदारा संजीदगी का मुजाहरा कीजिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। इस वक्त मुल्क के हालात जो है वो हमेशा की तरह पहले से ज्यादा नाजुक हैं, और हर आने वाला दिन पाकिस्तान के जितने भी लोग यहाँ पर आबाद हैं उनके लिए मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है, और इसके ऊपर अफसोस इस बात का है सिर्फ, क्योंकि माजी में भी कुछ ज्यादा उम्मीदें आवाम की नहीं थी, लेकिन जिस तरह के बयानात दिए जा रहे हैं बार बार दोहरा रहे हैं कि ये इस वक्त तशवीशनाक इस वक्त सूरत हाल है, खुद हुकूमत के लिए भी आवाम के लिए तो हमेशा से रही है, कभी भी हालात जो है वो साजगार नहीं रहे। बिल्कुल जी, और आप ये देख लें दूध की कीमत आज कहाँ बढ़ गई है, दवाइयों का मामला हो गया, सरकारी अस्पतालों में जो टेस्ट था उसका मामला हो जाए, या फिर किसी भी चीज पे रिलीफ की पेट्रोल के प्राइसेस आपने देख लिए, ट्रांसपोर्टर्स परेशान, कौन सा ऐसा महकमा है जो इनसे खुश हो, जो कह रहा हो कि जी इन्होंने आके बहुत बल्ले बल्ले वाली जो है वो पॉलिसी दे दी है, या कोई बहुत बल्ले बल्ले वाले हमारे साथ काम कर लिए हैं, चाहे आप उसको भी देख लें, स्टॉक को देख लें, बिजनेस सेक्टर को देख लें, सर्विस सेक्टर को देख लें, किसी भी सेक्टर को देख लें, सब ने हाथ उठा लिए,
सब कह रहे हैं, हमारी तो समझ में नहीं आ रहा कि ये आखिरकार करना क्या चाह रहे हैं हमारे साथ, हमने कौन सा इनके साथ जो है वो गुनाह कर दिया था जिंदगी में जो हम उसका कुफारा हम अदा कर रहे हैं इनको अपने सर पर बिठा के। जी मजीद बात करेंगे या एक्सपर्ट्स आज होंगे, वैसे तो नेक्स्ट सेगमेंट में आपके मुंतखब नुमाइंदे यहाँ होते हैं, लेकिन मुंतखब नुमाइंदों को देख देख के आवाम भी परेशान हो गई, तो उन्होंने कहा कि जी आज आप प्लीज एक्सपर्ट्स को बुलाएं और उनसे पूछें कि वो क्या राय रखते हैं। तो मेरे ख्याल से हमारी एक्सपर्टीज जाहिर सी बात है बहुत ही अभी इतनी नहीं है, वो ज्यादा अच्छे से बता सकेंगे। मैं तो चूंकि आवाम के साथ होती हूँ इसलिए आवामी बातें करती हूँ हमेशा, अब मेरी कोशिश होती है आवाम को सुकून दिया जाए, आवाम को जो है वो रिलीफ दिया जाए, उनकी जो है वो पासपोर्ट्स की जाए, उनके दिल का जो रोग है वो के मुंतखब एंकर हैं हम। ये सही है, ये जो है ना इसलिए मैं तो सख्त बातें कर जाती हूँ भाई। तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, स्टेडियम देखते रहे, गुड मॉर्निंग कराची। फिर आपको खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में एक मरतबा फिर, और जी गुड मॉर्निंग कराची के प्लेटफॉर्म से। जी ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी हमारी, आवामी राय ले रहे थे, आवामी राय आपके सामने, आवाम क्या कह रही है, इस हुकूमत से कितनी खुश है कितनी परेशान है, ये आपके सामने है, हम कुछ नहीं कहते। और मैं जो बात करती हूँ वो आवाम जो कहती है उसी को ही सिर्फ प्रेजेंट कर रही होती हूँ, क्योंकि मैं आवामी एंकर हूँ, आवाम के साथ हूँ, आवामी के दुख के साथ बराबर की शरीक हूँ और खड़ी भी हूँ उनके साथ। बिल्कुल, उसकी वजह ये कि हम खुद आवाम का हिस्सा हैं और ये जो महंगाई है और जितने भी मसाइब हैं सबका शिकार हैं और उसी की तर्जमानी करते हैं, और जितने भी बातें यहाँ पर होती हैं यकीनन तल्ख बातें होती हैं, सबका वक्त है, कोशिश तो ये होनी चाहिए अच्छी बातें आपके साथ शेयर करें, लेकिन ये वो लोगों के जज्बात हैं जो यहाँ इफेक्ट होते हैं और आपको भी प्रोग्राम में बात करने का, इसी तरह के लोगों की राय होती है। बहरहाल तो ये एक बड़ा आम और एक बड़ा संगीन मसला बनता जा रहा है, महंगाई के इस ना रुकने वाले सिलसिले को किस तरह काबू किया जाएगा, हुकूमत की क्या पॉलिसी है, क्या स्ट्रेटेजी है, क्या लाया हुआ उन्होंने अपनाया है अब तक जो कि नज़र नहीं आता। हमारी आज बड़ी खुशकिस्मती है, जैसे रिदा ने ब्रेक पे जाने से पहले भी आपको बताया कि रोज़ाना हमारे साथ मुंतखब नुमाइंदे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में मौजूद होते हैं, लेकिन आज हमें कुछ सीखने का मौका मिलेगा। आज हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे उस्ताद जिनसे हमने सीखा काम और उनकी वजह से हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं, वो आज हमारे मेहमान होंगे और उनसे गुफ्तगू करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो इस वक्त मुल्की हालात हैं वो किस तरह देख रहे हैं, क्या ये मामलात माजी में भी रहे थे और इनके अंदर जो बेहतरी आई थोड़े वक्त के लिए ही सही, वो किस तरह आई, क्या पॉलिसीज थी और कौन असल लोग हैं जो पॉलिसी मेकर हैं जो पॉलिसी बनाते हैं जिसके तहत ही तमाम मसाइल हल होते हैं। बिल्कुल जी, आपने एक्सपर्ट्स का तारुफ कराने से पहले, पैनल पे जाने से पहले मैं बता दूं आज के आपकी कॉल्स का सिलसिला आज जारी रहेगा, ठीक है, हमने ये आज किया है थोड़ा सा चेंज कि आपकी कॉल्स लेते रहेंगे हम इस सेगमेंट में, क्योंकि आप ये चाह रहे होते हैं हम आपकी कॉल्स लें, लेकिन उससे पहले आज की टॉप स्टोरीज पर नजर डाल देते हैं। IMF ने पाकिस्तान के मौशी हालात मजीद खराब होने का खदशा जाहिर कर दिया, 2.9 तक GDP जाने का खदशा है, रियासत खुद लोगों को निजी स्कूल में दाखिलों पर मजबूर करती है, चीफ आसिफ सईद खोसा के रिमार्क्स, शरीफ फैमिली से मुतालिक हैरान कुन इंकशाफात सामने आ रहे हैं, एक मरतबा फिर फवाद चौधरी की रेड, हिना रब्बानी घर का फवाद चौधरी को हट जाने का नोटिस भेजने का ऐलान सामने आया है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद, साइंस और सूफीज्म को फरोग देने का अज़्म, वजीर आजम का एक और यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान, शहबाज शरीफ ने वजीर आजम को इलेक्शन कमीशन मेंबरान के नाम तजवीज कर दिए हैं, नवाज शरीफ से मुल्की संगीन सूरत हाल पर बात हुई है, जरदारी से भी मुलाकात होगी फजलुर रहमान, नवाज शरीफ की हुकूमत मुखालिफ तहरीक का हिस्सा बनने से मुआजरत, जाली बैंक अकाउंट्स केस की समाअत 16 अप्रैल तक मुलतवी, शहबाज शरीफ का हथौड़े वाला और जरदारी का फालूदे वाला अंदर से एक ही निकलेंगे, शेख रशीद, हफ्ते 10 दिन में पाकिस्तान के अंदर नौकरियों की बारिश होने वाली है, फैसल वाडा, भारत ने पाकिस्तान का कोई तैयारा नहीं गिराया, अमरीकी रिपोर्ट, भारत ने अगर F-16 गिराया तो सबूत पेश क्यों नहीं करता, DGISPR, इंटेलिजेंस इतलात है कि भारत पुलवामा जैसी कार्रवाई की मनसूबाबंदी कर रहा है, शाह महमूद कुरैशी, अमरीका ने ईरानी फौज को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया, अमरीका खुद दहशतगर्दों का सरपरस्त है, हसन रूहानी, और ईरान के जनूबी इलाकों में सैलाब का अलर्ट जारी, दर्जनों देहात खाली करा लिए गए, साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि भारत में छत्तीसगढ़ में बागियों के हमले में BJP रुकन असेंबली समेत 6 अफराद हलाक हुए हैं, ये बड़ी इंटरनेशनल लेवल की स्टोरी कल की रही है, और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जी सऊदी अरब का पहला एटमी प्लांट तैयारी के करीब पहुंच चुका है, अमरीकी मीडिया ये बता रहा है, और
साथ ही साथ जी इस्तांबुल इलेक्शन की अगर बात करें तो वोट चोरी हुए हैं और दीवान साहब ये कह रहे हैं, और इस्तांबुल में वोटों की दोबारा गिनती की हुकूमती दरख्वास्त मुस्तरद कर दिए। तो ये नेशनल और इंटरनेशनल खबरें जिसके ऊपर आज हम अपने एक्सपर्ट से बात करेंगे, थोड़ा थोड़ा उनका मौकफ लेंगे। सबसे पहले जी तारुफ कराते हैं, आगा मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपने अपना वक्त दिया है। उनके हमारा बैठे मुनव्वर मिर्ज़ा साहब, बहुत शुक्रिया मुनव्वर मिर्ज़ा साहब आपने हमें ज्वाइन किया। फिजा शकील बैठी हैं, फिजा बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। आगा मसूद साहब सबसे पहले आपकी जानेब आऊँगी, हुकूमत IMF कह रही है जी पाकिस्तान के मौशी हालात मजीद खराब हो रहे हैं, अब तो IMF ने भी 2.9 के इंडिकेटर्स दे दिए, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कह रही है 3.5, ये क्या हो रहा है, मजीद इकोनॉमी गिरती जा रही है, 8 महीने हो गए, 3 महीने का हनीमून पीरियड भी मुकम्मल कर लिया हुकूमत ने, अब कल रात को एक और मुसीबत खबर आ गई कि जी दूध की कीमतों में भी इतनी आवाम परेशान हो रही है, वो कमिश्नर कराची को ढूंढ रहे हैं, वो मिल नहीं रहा है कहीं, वो कह रहे हैं कि जी तो उनसे पूछ लें कि क्या करना चाह रहे हैं वो, तो ये सारे मामलात हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए सबसे बड़ी बात, आप एक बात मेरी अपनी जाती राय ये है जी कि देखिए, एक तो मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन रुक गया है, नहीं हो रहा, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, उसकी वजह से भी आप देख रहे हैं कि जॉबलेसनेस है, मतलब लोग को जो जॉब नहीं निकल रही। दूसरी बात ये कि जब आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कमज़ोर हो जाएगा है ना, और आपकी कॉटन प्रोडक्शन कमज़ोर हो जाएगी, तो जाहिर है उसके साथ साथ आपकी एक्सपोर्ट्स भी नहीं बढ़ रही है, ठीक है। तो एक्सपोर्ट जब नहीं बढ़ रही है तो उसका मतलब ये कि जो आपको रिमिटेंसेस जो एक्सपोर्ट से मिलते हैं, जो कि देखिए दुनिया भर में जो तरक्की हुई है वो एक्सपोर्ट से हुई है, चाहे वो जापान हो, चाहे साउथ कोरिया हो, चाहे चीन हो, तो अब वो भी नहीं हो रहा। अच्छा, तीसरी जो सबसे बड़ी बात ये है कि जिसकी बात रिजा ने बहुत अच्छी की और आप दोनों बहुत अच्छी बात कर रहे थे, वो महंगाई का सैलाब है ना। देखिए बात असल ये है कि हमारे मुल्क में मजिस्ट्रेटी निज़ाम मौजूद है, ठीक है, इसका एक हल भी होना चाहिए, देखिए मैं आप तनकीद करूँगा तो ज़ाहिर है कि मुझे जो महंगाई हो रही है उस पर जो आवाम के पास जो दुख है, दर्द है, जो उनके दिल में मतलब गुदास है, उसका अंदाज़ा भी नहीं है। इसकी मतलब ये कि वो जुमले कहना, ये तो बिल्कुल ऐसी बात है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में मतलब माफ़ कीजिए, उन्होंने कहा कि अगर रोटी नहीं मिलती तो केक खाइए, तो मेरी मुराद ये कि देखिए ये इस किस्म की बातें करके ये लोगों को मुश्तैल कर रहे हैं, उनको जज्बाती तौर पर मुश्तैल कर रहे हैं, और ये बात मेरा ख्याल है कि खुद हुकूमत के इस्तेहकाम के सिलसिले में ये बड़ी मनफी रवैया है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो 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 एक जो मजिस्ट्रेटी निज़ाम है वो अभी मौजूद है, और ये मजिस्ट्रेटी निज़ाम भुट्टो साहब ने बनाया था, इसका बुनियादी मकसद ये था कि आप बिला वजह कीमतें नहीं बढ़ाएंगे, है ना, उसकी बाकायदा मजिस्ट्रेट के जरिए चेकिंग होगी, और जहाँ पर आप ही होल्डिंग करेंगे, जैसे रमज़ान आ रहे हैं होल्डिंग कर लेंगे, और आप ये है कि अगर वो 100 रुपये, अगर वो 80-60 रुपये का केला है तो आप उसको 150 रुपये में बेचेंगे। तो ये जो चीज़ें थी ये मजिस्ट्रेट निज़ाम के जरिए अच्छा खासा था। फिर यह कि प्राइस कंट्रोल कायम किया था उन्होंने, ये कायम नहीं कर सके। मेरा ख्याल ये है कि ये जिस बुनियाद पर आए थे, कि मैं उन लोगों के ख्याल से बिल्कुल इतफाक़ करता हूँ कि इनको तजुर्बा नहीं है, हम भी मतलब पावर कॉरिडोर में रहे हैं, हमें मालूम है कि किस तरीके से चीज़ें चलाई जाती हैं, और उसके लिए बड़े तहमुल की ज़रूरत होती है। अब ये कि असद उमर साहब हों या फवाद चौधरी साहब हों, जो इस किस्म के मतलब ये अनब्राइडल स्टेटमेंट जो देते हैं ना, जिस पर कि किसी किस्म का कंट्रोल नहीं है, ये स्टेटमेंट जो है वो जल्दी पे आग का काम करते हैं, है ना। लोग बेचारे मतलब वो तो चाहते हैं कि हमारे लिए कोई ऐसी गुफ्तगू करें, कोई नरम गुफ्तगू करें, है ना, ताकि ये है कि उनके अंदर मतलब सुकून पैदा हो, शांति पैदा हो, और ये समझें कि ठीक है आइंदा हम चंद महीने मजीद देख लेते हैं, लेकिन ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं तो उसमें चंद महीने की जो उम्मीद है वो भी नाबूद हो जाती है, वो भी मादूम हो जाती है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इनके जो गुजरा हैं और उनको किसी किस्म का कंट्रोल नहीं है, आपस में भी लड़ते रहते हैं ना, और आपस में इनकी अदावतें हैं। तो मैं मेरा अपना ये ख्याल है कि खुदा के लिए ये आवाम की जो आवाज़ें हैं, जो खल्क खुदा की आवाज़ें हैं, जो जिस तरीके से उनके हालात इज़हार हैं, जिस तरीके से उनकी जो माशी सूरत हाल है वो अब से अबतर होती जा रही है। अब चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, इन्होंने जो GDP के सिलसिले में बात की गलत नहीं की है, एंड आई फुली इंडोर्स इट, क्योंकि सूरत हाल ही यही है, क्योंकि ज़ाहिर है ग्रोथ नहीं है आपके अंदर, तो ग्रोथ नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे। अच्छा, ग्रोथ का एक और मैं बता दूँ, देखिए ग्रोथ के सिलसिले में बड़े लोगों को मैंने, क्योंकि थोड़ी बहुत इकोनॉमी में थोड़ा सा मेरा मुताला मामूली था, देखिए ग्रोथ जो होती है उसका एक इफेक्ट होता है, ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, आवाम पे क्या इफेक्ट होता है, आप में जब ग्रोथ नहीं है तो आवाम पे भी इफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ग्रोथ के जरिए फिर ये होता है कि आपके लिए एक विस्टास होते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, वो भी नज़र नहीं आया। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इमरान साहब जो है ना, उनकी जो टीम, अच्छा इशरत हुसैन साहब बैठे हुए हैं, ठीक है, इसके बाद अशफाक हुसैन साहब बैठे, मेरा ख्याल है कि देयर इज अ जायंट, और व्हाट दे आर डूइंग, वो क्या कर रहे हैं, मतलब उनके बारे में जिता साहब के वो अपनी जो उनकी किताब है द इकोनॉमी ऑफ द एलीट्स, कि वो वही कर दें। मैं समझता हूँ कि दिस अ वेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स इन पाकिस्तान, और लोगों को जो 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 इनको सपोर्ट कर रहे हैं उनको सोचना चाहिए। मिर्ज़ा साहब आपकी तरफ आएंगे क्योंकि आपका शोबा बैनुल अक़वामी उमूर है, और इसके बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। तुर्की के अंदर खासतौर पर जो हुकुमरान जमात के साथ हुआ है, जो उनके तहफ़ुज़ात सामने आए वोटों की गिनती के हवाले से, और फिर वो दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई,
تو یہ مثالیں کم ہی ملتی ہیں. ذرا چاہوں گا اس کے اوپر اپنا تجزیہ دیجیے کہ کس طرح آپ سارے معاملات دیکھ رہے ہیں, جو اتنا پاورفل صدر ہے اور اس کے بعد اس کی جو پوزیشن کے بارے میں بہت سارے سوالات بھی اٹھتے رہے, کہ اچانک سے جو ایک ٹرن اراؤنڈ آیا ہے اس کے بارے میں چاہوں گا تھوڑی سی بات. دیکھیے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جہاں تک آپ بھی جانتے ہیں کہ دکان صاحب جو ہیں وہ جب تک وزیر اعظم رہے تو ہی واز ون آف دی موسٹ پاپولر فگر ان ٹرکی, اور اس وقت بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہی از اے فگر ان ٹرکی. لیکن اس کے بعد جو انہوں نے, تو میرے خیال سے میں مناسب ہوگا کہ غلطیاں کہہ لیں یا ان سے ان کے حالات نے انہیں مجبور کیا جو انہوں نے کی, جس کی وجہ سے کہ وہ اب وہ مقبولیت نہیں رکھتے. پہلی تو انہوں نے یہ کیا کہ جو کرد وہاں پر لوگ تھے جن سے انہوں نے خود ہی ایک مصالحت کر لی تھی, اور نہ صرف مصالحت کی تھی بلکہ ہی واز دی اونلی لیڈر ان اے لانگ ٹائم جنہوں نے انہیں باقاعدہ مین اسٹریم کے اندر لائے تھے, ان سے انہیں الیکشن لڑوایا تھا. آپ کو یاد ہے ان کے وہ جو لیڈر کرد جیل کے اندر تھے ان سے باقاعدہ مصالحت کر کے انہیں باہر لائے تھے, اینڈ ہی ڈیڈ اے ویری فائن جاب. لیکن کچھ عرصے بعد ہی جب وہ اس پارٹی نے اور ان کے درمیان جو مصالحت تھی وہ ٹوٹ گئی, تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ان کے خلاف ہو گئے, اور نہ صرف وہ ان کے خلاف ہو گئے بلکہ انہوں نے باغی ڈکلیئر کر دیا, اور پھر اس کے خلاف باقاعدہ ان کے خلاف ملٹری آپریشن شروع ہو گئی. تو ایک طرح سے ان کے ہاں اگر ہم بہت ہلکے لفظ بھی استعمال کریں تو ایک صورتحال یہ ہے کہ ایک فوجی کشمکش جو ہے وہ دونوں کے درمیان جاری ہے, اور آپ کو معلوم ہے کہ کردوں کو امریکہ سپورٹ کرتا ہے. yes. کیونکہ سیریا کے اندر بجائے اس اپنی فورسز کو وہ گراؤنڈ پر لاتا, اور عراق میں اس نے کرد ملیشیا کو استعمال کیا جسے پیش مرغی کہتے ہیں. ایک تو یہ ریزن تھا. دوسرا انہوں نے وہاں پر ایک نظام چینج کیا ہے. پہلے وہاں پر جب اسی قسم کا نظام تھا جو کہ ویسٹ منسٹر کی ڈیموکریسی جب پاکستان کے اندر ہے, پارلیمانی سسٹم تھا, انہوں نے کہا کہ نہیں میں پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ لاؤں گا, اور پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ رہے. تو اس کو اس نظام کو انٹرنلی بھی خاصا یعنی سامنا کرنا پڑا ہے اس کا اور مخالفت کا, لیکن ایکسٹرنلی بہت زیادہ. اور آپ کو جیسے معلوم ہوگا کہ یورپ اور امریکہ ان کے خاصے مخالف رہے ہیں, اور اس کی ان ایک بڑی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ جو ہیں وہ شاید ان کا ان کے مطابق یورپینز کے مطابق کہ وہ شاید کوئی اسلامک ریوائیول یا کوئی ان کو خلیفہ بھی کہتے ہیں, انہیں سلطان بھی کہتے ہیں. میں نے جتنے ان کے رسالے وغیرہ پڑھے ہیں یا مضامین پڑھے ہیں ٹاپ لوگوں کے, وہ اس طرح کرتے ہیں. تو یہ اسی کا, لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں, جو گزشتہ الیکشن تھے بلدیات اس میں بھی وہ استنبول کے اندر الیکشن جو تھے وہ ہار گئے تھے. تو یہ کوئی بہت اس لحاظ سے اگر آپ کمپیریٹیولی دیکھیں تو کوئی بڑا, وہ حالانکہ وہ خود استنبول کے میئر سے جمپ کر کے اور پھر اس کے بعد وزیر اعظم بنے, لیکن اسٹل میں سمجھتا ہوں شاید اردوغان صاحب نے جس طرح وہ اب ریئیکٹ کر رہے ہیں اپنے سسٹم کے اوپر, کیوں یقینی بات ہے ان کے سسٹم ہی کے اوپر چیلنجز ہو رہے ہیں نا, کہ پریزیڈینشیل فارم انہوں نے کر دیا ہے, اور وہ یہ چیلنج انہیں دو طرف سے ہے. ایک طرف تو جتنے جو مغربی طاقتیں ہیں جو کہ چاہتی تھیں کہ اس ٹائپ کی ڈیموکریسی چلتی رہے ٹرکی میں جس طرح کی وہ چاہتی ہیں, اچھا وہ, لیکن ایک تو ان کا مخالفت کا انہیں مستقل سامنا کرنا پڑتا ہے, اور دوسرے انہیں جو میں نے آپ کو کردوں کا معاملہ بتایا. اچھا اب وہاں ایک اور مسئلہ پیدا ہو گیا ہے, ہوا یہ ہے کہ وہ داعش کے متعلق امریکہ نے اور رشیا نے اور جناب بشار الاسد صاحب نے سب نے یہ اعلان, اور عراق والے نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ وہ انہوں نے خاتمہ کر دیا ہے. تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ خاتمہ باقی میں ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا, کیونکہ وہ ویریس قسم کے کلیمز ہیں, کیونکہ وہاں پہ خانہ جنگی جاری تھی سیریا میں بڑی خوفناک قسم کی, جس میں 3.5-4 لاکھ مسلمان جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں بڑے خوفناک طریقے سے, 1.25-1.2 کروڑ کے قریب بے گھر ہوئے ہیں. تو ایک الاؤ کی صورتحال رہی ہے گزشتہ 7 سال میں اس خانہ جنگی کی وجہ سے. عراق کے اندر بہت زیادہ صورتحال خراب تھی, داعش نے موصل جیسے شہر کے اوپر قبضہ کر لیا. اب یہ جو کرد ہیں یہ فارغ ہو گئے ہیں, اور کرد آپ کو پتا ہے 3 ملکوں کے اندر ہیں, ٹرکی میں ہے, عراق میں ہے, اور ایران میں ہے. تو اب ان تینوں جو ممالک ہیں فارغ ہونے کے بعد آپ کو آتا ہے عراق کے اندر تو انہوں نے انڈیپینڈنس کا مطالبہ کیا تھا, ٹرکی میں وہ باقاعدہ جنگ لڑ رہے ہیں, ایران میں بھی آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے, اور وہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے مختلف یعنی مستقل لگے رہے ہیں.
तो तीनों के लिए चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, जबकि अमेरिका उनको सपोर्ट करता है। और आपने देखा अमेरिका ने वो जी, अभी उन्होंने एक ऐलान भी कर दिया है कि ईरान की फोर्सेस को दहशतगर्द भी डिक्लेयर कर दिया। वो ये कोई खास बड़ी बात नहीं थी, इसलिए कि अमेरिका का तो पहले दिन से ही स्टैंड है कि जितनी भी दहशतगर्दी हो रही है वो उसके पीछे जितना वो है वो ईरानी का हाथ है, जिसे वो मुस्तरद करता है ईरान, और जवाब में वो कहता है कि अमेरिका जो है वो इस सारी दहशतगर्दी की वजह है। तो ये सारी जो है ये पेचीदगी बनती जा रही है, इसके फॉल आउट जो है अब वो मुख्तलिफ मुल्कों में पड़ रहे हैं। आपने इधर भी देखा, अब आप इराक में भी देखेंगे, आप ईरान में भी देखेंगे। मैं साथ इसी को कंटिन्यू अभी हम करते हैं, मैं फिजा की तरफ भी आती हूँ। इसी हम बैन अलाकवामी पे आप चुके जायचा पूरा खींच रहे हैं उसका, फिर हम उसी पे मजीद भी बात करते हैं। अभी आपसे बैन अलाकवामी सतह पे मैं फिजा पर आऊंगी। फिजा, कल की बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, हम जो डायरेक्ट अवामी उससे जुड़ी होती है जो मामला, उसको शायद निगलेक्ट कर देते हैं मेन स्ट्रीम का मीडिया और नॉन इशूज पे ज्यादा जाता है, लेकिन ये कल बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि चीफ जस्टिस साहब 8 महीनों में पहली दफा बहुत स्ट्रेट अवे, उन्होंने स्ट्रिक्ट होकर किसी मामला पे स्टेटमेंट दिए कि रियासत लोगों को निजी स्कूल्स में दाखिलों पर मजबूर करती है, और उन्होंने कहा रियासत बिल्कुल तौर से नाकाम हो गई है तालीम की बुनियादी सहूलत लोगों को देने के लिए। और 18 अमेंडमेंट जिसकी जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी बड़ी बातें करते हैं कि जी रोल बैक नहीं होनी चाहिए, यूं हो जाए जाए, लेकिन उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क आ गया क्योंकि तालीम और सेहत का जो मामला है वो 18 अमेंडमेंट के बाद सूबाई सतह का है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, आज ही की सुबह की खबर है कि इन खबर तो कल होगी जाहिर है जब आ जाए कि खैबर पख्तूनख्वा में 60% असातिज़ा ऐसे हैं कि जो अपना कोर्स नहीं पढ़ा सकते, निसाबी कुतुब वो नहीं पढ़ा सकते। ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा तक महदूद नहीं है, पूरे पाकिस्तान में अगर आप ऐसे सर्विस करेंगे तो सूरत हाल शायद इससे कुछ बेहतर हो या इससे ज़्यादा ख़राब हो। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि जो तालीमी निज़ाम इस वक्त सरकारी स्कूलों में है मुरवज और राइज, वहाँ पर आज कल 9वीं और 10वीं के इम्तहान हो रहे हैं। रोज़ मीडिया ये बात करता है, ये सुबह भी मैंने अपने शो पे भी ये बात की है कि वहां पर नकल का जिस तरह से बढ़ता हुआ रुझान सामने आ रहा है, गुज़िश्ता मोबाइल के जरिए मोबाइल आ गया, पहले तो बच्चे भी कुछ थोड़ी मेहनत करते थे कि वो बुढ़िया बनाते थे, अब तो वो काम भी आसान हो गया। तो वो असातिज़ा जो खुद इस निज़ाम से पढ़ लिख कर निकले होंगे, मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रही कि वो भी नकल के जरिए आए होंगे, लेकिन जब निज़ाम ही इतना फरसूदा और साल खुर्दा हो चुका तो फिर ये सारी बातें हमें मीनिंगलेस इसलिए लगती हैं कि चीफ जस्टिस साहब भी इसी सेटअप का और माशरे का हिस्सा हैं, वज़रा भी इसी निज़ाम से अगर खुद इस्तफादा उन्होंने नहीं किया तो उनके मोहल्ले में उनके मुलाजिमों के किसी तबके ने वो वहाँ से कुछ पढ़ा लिखा हो, क्योंकि उनके अपने बच्चे तो बैरून ममालिक होते हैं और बड़े धड़ल्ले से होते हैं, उनके पास नेशनैलिटीज होती हैं, उनका जीना मरना इस मुल्क से है ही नहीं, तो जब वो यहाँ है ही नहीं तो हम उनसे शिकायत क्यों करते हैं? ये हमारा कसूर है जनाब कि हम ऐसे लोगों के धोखे में बार बार आते हैं। आज मुझे सहाफत में कदम रखे पूरे 25 साल हो, इन 25 सालों में मैंने जितनी दफा भी अवामी नुमाइंदगान और सियासतदानों से बात की है, सुबह भी मैं इसी बात का रोना रो रही थी, मुझे आज तक कोई वाज़ेह जवाब नहीं मिला। बड़ा ये अलमिया है, और अनफॉर्चुनेटली मिर्जा साहब मेरे सीनियर हैं, आगा साहब मेरे सीनियर हैं, ये शायद मेरी तायीद करेंगे कि इनके एक्सपीरियंस में भी यही सूरत हाल आई होगी कि जो सियासी ज़ोमा हैं, कायदीन हैं, अमायदीन हैं, जब आप उनसे बात करने बैठेंगे तो वो आपको ऐसा उलझावा और ऐसा उलझाव आपके सामने रखेंगे कि आप अपना सवाल भूल जाएंगे। बिल्कुल सही। और उसके बाद आप सोचते रहेंगे कि अरे इन्होंने तो मुझे उल्लू बना दिया। मैं आपसे कंटिन्यू कर रही हूं एक जुमला से, मेरे से सबसे एक मिनट, एक कॉलर को भी मैं शामिल में चाह रही हूं, आवाम की भी राय ले ले। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें, कहां से? अस्सलाम वालेकुम बेटा रिदा और यासिर साहब। बेटा आप लोग जिस तरीके से प्रोग्राम को पेश करते हैं और जिस तरीके से आज आपने मौका दिया है, बड़े ही काबिल लोग आपने बिठाए माशाल्लाह, एक और जो खातून है उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन इतनी प्यारी वो सॉल्यूशन करती है। आज एक दरख्वास्त है मेरी छोटी सी कि बजाय क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस पे गुफ्तगु करने की बजाय अगर ये किया जाए कि भाई आखिर हमारे पास इसका हल क्या है, आप लोग सिर्फ हल पे गुफ्तगु करें कि आवाम को अब क्या करना चाहिए। भाई ये ना काबिल नहीं है, बेकार है, मान लिया हर चीज। लोग आपको यहाँ तक कहने लगे कि भाई अगर तुम्हारा तुमने कितने करोड़ गुना किए तो लाहौर हाई कोर्ट चले जाओ तो आपका सारा काम हो जाएगा। बड़ी जुर्रत के साथ ये बात कह रहा हूँ, तो ये हालात हो गए
तब आवाम को क्या करना चाहिए, प्लीज आपका वक्त कम है, इस पे गुफ्तगू कीजिए, बहुत शुक्रिया, कुछ हमें सीखने का मिले। ठीक है यूसुफ साहब, अभी पूछा साहब आपकी तरफ आता हूँ, मैं फिजा से कंटिन्यू कर लूँ ना, पहले फिजा थोड़ा सा कंटिन्यू करें। जी फिजा, अवामी मुहासबा इस वक्त जरूरी है। इमरान खान साहब ने खुद ये राह दिखाई थी कंटेनर पे चढ़ के कि अगर बिल ज्यादा आता है तो आप उसे जला दीजिए। मैं किसी सिविल नाफरमानी की बात नहीं कर रही, मैं मुहासबे की ये बात कर रही हूँ। आप जितने वज़राए आला के ऑफिसेज हैं, उनके घर हैं, उनके आउटस्टैंडिंग बिल्स आप देखिए। वजीर आजम साहब का सेक्रेटेरिएट, छठी मंजिल पे आग लगती है, तायुन नहीं हो सकता, आग कैसे लगी, छठी मंजिल तक पानी नहीं जा सकता। मुहासबे की जरूरत है जनाब, जो जहाँ पर है अब उसको अपना काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये खान साहब ने खुद फरमाया था, और हमारा उनसे बार बार कौमी मुतालबा भी यही है कि जो वो कहते हैं उस पर वो कायम रहें, चाहे उसके लिए उनको दोस्तों की कुर्बानी देनी पड़े, फाइनेंसर्स की कुर्बानी देनी पड़े, वो ये काम। क्या 18 अमेंडमेंट अपना किरदार अच्छी तरीके से उसके बाद निभाएंगे क्या, क्योंकि अपनी तालीम और सेहत पे बिग क्वेश्चन मार्क है चीफ जस्टिस साहब का। आप सिंध की सूरत हाल देखिए, मेरे अपने घर के सामने बदतरीन हाल है, किस और किस मुंह से ये कह रहे हैं कि लात मार के गिरा देंगे हुकूमत, इस पे जो बात करते हैं। बताऊं बात असल ये है कि 18 अमेंडमेंट को नेशनल असेंबली से पास ही नहीं किया गया, समझे, हुआ ये कि ये जनाब रजा रब्बानी गए, साकिब निसार साहब उस जमाने में चीफ मिनिस्टर चीफ सेक्रेटरी वो थे, चीफ जस्टिस, तो उन्होंने कहा कि साहब देखिए आप ऐसा करें कि उन्होंने कहा मैं तो आपकी प्ली नहीं सुनूंगा, आप तो जाइए नेशनल असेंबली में, कहना साहब लार्जर बेंच बना दीजिए, उन्होंने कहा मैं लार्जर बेंच क्यों बनाऊं, कहने लगे आप ओथ में बताइए कि आपने इसको मंजूर करवाया था, कहने लगे नहीं, ये रिपोर्ट की बात है। अच्छा अभी 18 में सुन लीजिए, अभी फिरोज फरूख नसीम साहब ने कहा कि 149 आर्टिकल है ना, वो जो है ना वो इतलाक किया जाएगा, दो तीन महीने से उसमें काम हो रहा है। देखिए 149 जो है, जब भी हमारे एक कॉलर साहब ने पूछा कि इसका सोल्यूशन क्या है, देखिए जब कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है ना एक्ट नहीं कर रही, कोई काम नहीं कर रही, 10 साल से एक्सप्लाइटेशन हो रहा है लोगों का, है ना, तो उस लिहाज से अगर कोई ना कोई तो काम, खुदा ना खासा आप फेडरेशन को तोड़ दें। अच्छा एक और झूठ बताऊं, एक तो मेरे जरा पाली साथी हो, दूसरी ये है कि आर्टिकल 1973 में 58 आर्टिकल एंड उसका 2 उसमें बाकायदा ये लिखा है कि इन केस ऑफ द प्रोविंसेस डू नॉट परफॉर्म द फेडरल गवर्नमेंट हैज द राइट एक्चुअली टू इंटरवीन एंड टू ब्रिंग अबाउट द रिफॉर्म्स, है ना, चाहे टू टॉपल द गवर्नमेंट और टू एस्टैब्लिश गवर्नर राज, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स। आप यकीन करें कि खामोशी से उस पॉइंट को उसको भी डिलीट किया उन्होंने, राइट, है ना, तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए ये एक डिसऑनेस्टी की बुनियाद पर काम कर रहे हैं, 18 अमेंडमेंट का कोई ताल्लुक ही नहीं है, अगर 18 का ताल्लुक होता तो इनको जो पावर मिली, सही लोग कहते हैं कि इनके पास कैपेसिटी नहीं है। अच्छा अगर साहब एक चीज की जरा निशानदेही कर दें, जरा ये समझना हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज हैं, जब उनके ऊपर हमें कोई डेवलपमेंट या प्रोग्रेस नजर नहीं आती, बहुत बेसिक चीजें हैं जिसके ऊपर ऐसा लगता है कि अथॉरिटीज इस वक्त बिल्कुल खामोश हैं, या तो वो समझ में उनके नहीं आ रहा, या फिर वो किसी का इंतजार कर रहे हैं कि उनके बिहाफ पे कोई आकर फैसला करेगा तो वो आगे बढ़ेंगी, जब वो नहीं इशू करेंगे, जब वो इसके ऊपर एक्शन नहीं लेंगे, तो फिर कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो प्रोवेंशियल सब्जेक्ट्स हैं, ये बहुत सारे इश्यूज हैं, इनको रिजॉल्व करने के लिए वो इंटरवेंशन भी करेंगे और उनको ठीक भी करेंगे, ये मुमकिन कैसे है 3 सूबों के अंदर एक हुकूमत आपकी मौजूद है, वहाँ के इश्यूज आपके सामने अभी नौ दिन आते रहते हैं, फिर सिंध के अंदर ये जो एक कन्फ्रंटेशन हो रही है, लोगों का ध्यान इस तरफ ले जाया जा रहा है, पॉलिसी क्या अडॉप्ट की है, देखिए खुदा ना खास्ता स्टेट फेल नहीं हुई है, देखिए निज़ाम फेल हुआ है, देखिए निज़ाम जिस चीज़ को कहते हैं, जैसे मैं और आप हैं, आप देखिए एक प्रोग्राम कर रहे हैं ना, ठीक है, उस प्रोग्राम के अंदर एक बड़ा पॉजिटिव इमेज जा रहा है ना, बिकॉज यू आर स्पीकिंग द लैंग्वेज ऑफ द पीपल, है ना, आवाम की बात कर रहे हैं, इसी तरीके से कि निज़ाम जो है ना उसको इन्होंने वायदा किया था कि हम निज़ाम को ठीक करेंगे, एक फरसूदा निज़ाम है, एक निज़ाम जो डिलीवर नहीं कर पा रहा, तो यही वायदा किया था ना। मैं ये कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इस्लामाबाद में जो खबरें बड़ी आम थी, हम जब गए तो उसमें ये था कि साहब प्रेसिडेंशियल फॉर्म में तो गवर्नमेंट आने वाली है ना, और इसके बाद मजीद हम इनको 2-3 महीने देखेंगे कि वाकई ये कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आएगी तो सवाल ये है कि लोग तो यही होंगे, है ना, मिसाल के तौर पर लोग तो यही होंगे, यही IMF कहेगा कि आपकी जो ग्रोथ है 3.2 है, यही वर्ल्ड बैंक यही कहेगा, ठीक है, अच्छा फिर एशियन डेवलपमेंट भी ये कहेगा। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस सिलसिले में जो अभी फिजा बात कर रही है, ये बहुत उमदा बात कर रही है कि हर सतह पे एहतसाब हो, और ये अगर एहतसाब नहीं होगा तो आप यकीन करें कि ये जो सिस्टम चलता रहेगा, और मुझे जो डर है जिस बात का वो मैं कहना नहीं चाहता, क्योंकि देखिए ज़रा ये इसको हज़ारों लोग लाखों लोग देख रहे हैं प्रोग्राम को, और गुफ्तगू में बड़ा मोहतात होना चाहिए, लेकिन यह है कि आवाम का गुस्सा जो है ना वो एक ख़ास पिच पे जा रहा है। अच्छा ये जो आवाम का गुस्सा ख़ास पिच पे जाता है, तो आप तारीख के बहुत से आपके पास सामने मिसालें मौजूद हैं कि ये जो गुस्सा है और ये जो झुंझलाट है, जो गम है, जो गुस्सा हर किस्म की जो मतलब इस्तराब है,
ये बहुत बड़ा भयानक सूरत है सर, फ्रांस की सूरत हाल। मैं ये तो मैंने यही तो ना कहा केक खाए है ना, रोटी ना खाए तो केक। तो मैं ये कर रहा हूँ कि दो जुमले ये कहना जिससे रिजा ने बार बार कहा, वन ऑफ द बेस्ट सेंटेंस शी हैज यूज्ड कि भाई आप दो की बजाय एक रोटी खाएं तो बिल्कुल ठीक है, फिर आप केक खाएं, केक खाने के बाद ये है कि आप बिल्कुल तनोमंद हो जाएंगे और दुनिया भर के मसाइल हो जाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो सिस्टम है, मैं समझ रहा हूँ कि ये इसको थोड़ा सा वापस हम बैनुल अक्वामी पे भी जाएंगे। मैं थोड़ा सा ये जानना चाह रही हूँ, हम क्यों नहीं खुल के ये बात मुनव्वर मिर्ज़ा साहब कहते थे कि अमरीका ही वाकई दहशत गर्द है, इसमें कोई शुबा नहीं है, क्योंकि इराक पे पहले इल्जाम लगाया दहशत गर्दी का, इसका उसका, कि जी वेपन्स वहां से मिलेंगे, ये होगा, इराक बर्बाद कर दिया इस चक्कर में। आज खुद कह रहा है 17-18 साल बाद कि जी वहां से कुछ नहीं मिला, वहां से कोई चीज नहीं मिली, पूरी दुनिया ने देख लिया, सारी लॉबीज ने आपकी देख लिया, सारा सिस्टम आपके सामने, अब ईरान के ऊपर इल्जाम लगा रहा है, जहां दिल चाहता है उसका इल्जाम लगाता है, वहां घुस जाता है। ये कौन सी मनमानियां है और क्यों नहीं इसके ऊपर वाज़ह स्टांस सामने नजर आता है? ये जो जिसे कहते हैं ना डिप्लोमेटिक एटीट्यूड है, मुनाफ़काना एटीट्यूड है हमारा, वो क्यों है? क्वेश्चन ये पैदा होता है कि अगर आप ये कह दें अमेरिका को कि वो दहशतगर्द है तो क्या इसका फर्क पड़ेगा? ऐसा ही ये हमें असेस करना चाहिए ना, कहने को तो कौन नहीं कह रहा। क्या गुज़श्ता 30 साल से जितने मुसलमान मुल्क हैं वो कह नहीं रहे हैं, लेकिन कहने में, और मैंने पहले भी शायद आपके प्रोग्राम में बात कही थी, एक चीज होता है कहना और एक प्रैक्टिकली और एक होता है अमल करना, अमल करना, राइट। तो अमलन तो आप वो काम कर रहे हैं जिससे कि आप पे सारे इल्जाम आते हैं। आखिरकार मुसलमानों को कहीं ना कहीं जाकर तो ये देखना पड़ेगा ना कि वहाँ उनके पास भी कोई गलती हो रही है नहीं हो रही। इसमें कोई दो राय नहीं कि अमेरिका क्या करे, लेकिन मैं एक बात ये कहूँगा आपको कि ये कुछ फितरत का निज़ाम भी है, कुछ तारीख की भी वो बात है, और कुछ ये अपनी पोटेंशियल भी होता है। जो पावर सुपर पावर बन जाती हैं तो तकरीबन उनके जो अमल हैं वो यही होते हैं। आप तारीख को उठा के देख लें, रोमन से स्टार्ट कीजिए, मुसलमानों से होते हुए चले जाइए, चंगेज खान पे आ जाइए, बर्तानिया को ले लीजिए, अमरीका पे आ जाइए, किस जापान को देख लीजिए, तकरीबन जब भी कोई सुपर पावर रेस करता है तो वो इसी किस्म की एक्सपेंशन करता है। तो आप दिमाग खराब हो जाता है बिल्कुल रेस का। और दूसरे एक और बात यह है, मैं खुद बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करता रहा हूँ अमेरिका को, लेकिन दो तीन चीजें में आप भी देखें, जरा गौर करें, अमेरिका दो तीन चीजों के अंदर उसने ऐसी लीड ली हुई है कि जब तक आप सिर्फ उसकी फौजी लीड नहीं है, उसने साइंस के अंदर भी, टेक्नोलॉजी के अंदर भी, उसने दानिश में भी अपने पैर गाड़े हुए हैं, मीडिया में भी उसने आपको बेबस किया हुआ है। आप ये कहते रहते हैं हर वक्त कि जी सोवियत यूनियन को उसने शिकस्त दी है फौजी, और यहाँ पर बड़े ढंडोरे पीटे जाते हैं कि जी हमने पता नहीं कौन सा रोल प्ले किया है। मैंने कई दफा आपके प्रोग्राम में भी कहा और लिखा भी है इस पे कि इस किस्म की खुशफहमियाँ जो है ना वो हम लोगों को बहुत ज्यादा में मुब्तला रहे हैं हम लोग, बाहर आ जाना चाहिए इसे। अमरीका ने उन्हें उससे मारा है, प्रोपेगेंडे से, मीडिया से मारा था उन्हें, जब सर जंग के अंदर खात्मा किया था उन्होंने, उन्हें कोई अफगानिस्तान में थोड़ी शिकस्त दी, असल शिकस्त तो उन्होंने ईस्टर्न यूरोप में दी थी, मगर हम लोगों ने देखा, हमारी आदत है ना कि हम, तो मैं इसी सिलसिले में जरा सा ऐड कर दूँ, अगर आप बुरा ना माने इंटरनली, आपने कहा कि नाकामी पाकिस्तान में भी जो नाकामी है ना उसी अगर आप इसे कंटिन्यू करें तो दो सतह के ऊपर नाकामी है। पहली सजा भी अगर सियासी नाकामी है, और फॉर एग्जांपल एक नाकामी है कि हमारी पार्लियामेंट कुछ नहीं कर रही है, एक लेजिस्लेशन वो नहीं आ रही है, कानून नहीं आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा, और अक्सर हम ये शिकायत करते रहते हैं। लेकिन दूसरी सतह पे हमारी जबरदस्त नाकामी जो है वो दानिश की नाकामी भी, हमारे जो अहले दानिश है मुसलसल एक ही बात कहते रहते हैं, एक ही बात पीटते रहते हैं। मैं हैरान इस बात पे हो रहा हूँ कि कल तक, क्योंकि आज वो सुर्खी बदल गई है, कल तक हम इस बात में इंसिस्ट कर रहे थे कि ये जहादी तंजीमें जो हैं ये अमेरिका ने बनाई है, किसने बनाई है, किसने, आज हमारे वजीर आजम ने क्या बयान दिया? अब अगर यही बयान कोई और दे रहा होता न्यूयॉर्क टाइम्स, तो मेरा ख्याल ये है लीड लगी है, कहीं ऐसा ना होता कि उसको डॉन लीक्स वगैरह जैसा फेथ का सामना करना पड़ता। लेकिन अजीब सा एतराफ कर लिया है, और अब आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका को आप इल्जाम दे, तो फिर अब आप किस तरह अमेरिका को इल्जाम देंगे? आपने तो खुद ही एतराफ कर लिया कि जहादी तंजीमें हमने अच्छी की। अच्छा, अब ये भी हमारे दानिशवरों को इस बात के ऊपर जम जाना चाहिए
کیوں نہیں یہ تحقیق تو کرنی چاہیے کم از کم. یہ تحقیق بھی امریکہ سے آ رہی ہے, یہ تحقیق بھی انگلینڈ سے آ رہی ہے, تو یہ تحقیق بھی ہم نہیں کرتے. پھر اس کے علاوہ میں ایک اور بات کہوں گا, میں مذہب سے میرا کوئی بہت کم, میرے آپ کو بالکل صرف ایک سادہ سا مسلمان ہوں, لیکن کیا ہم نے وہاں بھی ٹھوس تحقیق کی ہے مسلمانوں نے؟ ہم کہتے رہتے ہیں کہ جی یوں اتحاد ہو جائے گا, جب او آئی سی کا اجلاس ہوتا ہے تو کہتے اینڈ کیا ہوتا ہے اس کا, اینڈ ریزلٹ کہ سشما سوراج جو ہیں انہیں اس بنیاد کے اوپر بلایا جاتا ہے. یہ بھی اظہار دیں بنیاد کیا ہے جس کے اوپر ہم کریٹیسائز کرتے ہیں کہ مسلمان وہاں پر 24-25 کروڑ ہیں, ان کی ریپرزینٹیٹو کے طور پر سشما سوراج کو وہاں بلایا جاتا ہے, اور اس کے بعد کی پریس کانفرنس تو کسی نے پڑھی نہیں جو کہ ہوسٹ ملک ریلیز تھی. اس نے کہا یہ ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے, فارن منسٹر نے یو اے کی کہا تھا, اور اس نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ وہ پورے طور پہ انڈیا یہاں پر موجود ہوگا اور ہم اسے ویلکم کریں گے. تو مگر یہ چیزیں ہم ہم یورپین اتحاد تو بہت بڑی بات ہے, اتر تک تو خود بھی تھوڑا سا دکھا رہا ہے, اور وہ جو لہر آئی ہوئی ہے وہ اٹلی میں بھی کچھ ہو رہا ہے, تو جرمنی میں بھی مارکیٹ جا رہی ہیں, لیکن آپ یہ بتائیے کہ بیسک ایشوز میں بھی کہیں مسلمانوں کے اندر کنسنسس نہیں ہے. ہر وقت ہم یہ کہتے رہتے ہیں آئیے ایران اور سعودی عربیہ کے اندر وہ سازشی کروا دیں اور اس مسئلے کے اوپر, ارے بھائی اگر مسلمان ملکوں میں ہی سازشی کراتے پھر رہے ہیں سارے وقت, اور وہ ان کو یہ بتاتے پھر رہے ہیں کہ تمہیں ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہونا چاہیے, ایک دوسرے کے خلاف کیسا کرنا چاہیے, اور تم ان کے ایک کو کہتے ہیں فوج مت بناؤ دوسرے کے خلاف, دوسرے کو کہتے ہیں تم اس کے خلاف کر رہے ہو, تو امریکہ کو کیا الزام دیں گے؟ فضا کے پاس جائیں گے. فضا یہ اگین جی ایک مزید طویل اب جعلی اکاؤنٹس کیس کے حوالے سے بھی کھلتا جا رہا ہے, آگے ایک نیا پنڈورا باکس کھل رہا ہے جی, دو ملزمان گواہ اس پہ, وہ مرتضی وہاب صاحب پہ میرے پروگرام میں کہہ رہے تھے رات کو کہ جی وہ جب کیسز بھی جھوٹے بنائے جا سکتے کریٹ کیے جا سکتے ہیں, تو ملزمان بھی وہ سوری گواہان بھی کریٹ کیے جا سکتے ہیں, ہمارے لیے کوئی وہ ایسا وہ نہیں ہے. تو پھر انہوں نے پینما کا بھی ریفرنس دیا اور ساری چیزیں, پھر بار بار وہ خود آ گئے ریمارکس کے جی آئی ٹی کوئی صحافی وہ نہیں ہے, کوئی قرآنی صحیفہ نہیں ہے, اس طرح کی باتیں بھی ہوتی رہیں. اب پوائنٹ یہ ہے کہ اسی میں گھما کے رکھا ہوا ہے, مہنگائی کا سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں, سائیڈ میں ایک طرف یہ بس اڑاتے ہیں کہ جی فلاں حملہ کر رہا ہے, فلاں یوں ہو رہا ہے, فلاں ڈھمکڑا ہو رہا ہے, اور فلاں اندر جا رہا ہے, فلاں کو پکڑ رہا ہے, فلاں کو روک رہے ہیں, اور سائیڈ میں یہ اپنا کام کر رہے ہیں جو انہوں نے کرنا ہے, جو ان کے انہوں نے طے کیا ہے وہ کام یہ بھرپور کر رہے ہیں. میں تو سمجھ رہی ہوں کہ بھرپور کام کر رہے ہیں. صحیح کہہ رہی ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اشرافیہ چاہے وہ آپ کی سیاسی پارٹیز میں ہوں, چاہے وہ آپ کو بڑے بڑے اسکول اونرس کی شکل میں نظر آتے ہوں, بڑے بڑے بیوروکریٹس میں نظر آتے ہوں, یہ پورا طبقہ ایک طبقہ ہے. دوسرا طبقہ عوام کا طبقہ ہے. اب عوام میں بھی بہت سارے طبقات ہیں, وہ عوام کا وہ طبقہ جو براہ راست متاثر ہوتا ہے ان سارے کاموں سے وہ ایک الگ ہے. پھر وہ طبقہ ہے جو ان ساری چیزوں سے بالکل بے خبر ہے, اپنے ایک ککون میں, اپنے ایک کمفرٹ زون میں وہ رہتا ہے. پھر ایک اور طبقہ عوام کا ہی ہے جو روزانہ اپنا کنواں کھودتا ہے اور اس میں سے پانی نکالتا ہے. اشرافیہ کا ایک طبقہ اپنی جگہ پہ ہے جن کا گٹھ جوڑ ہے انٹرسٹس کی سیف گارڈ کرنے میں. اب آپ اس کو ایک کانسپریسی تھیوری کہہ لیں یا کیا کہہ لیں, لیکن یہ پوری دنیا میں وہ ایک طبقہ الگ نظر آتا ہے. اچھا, اور جو ہم عوامی طبقات کی بات کر رہے ہیں وہ باہمی چپکلش میں بھی ہمیں دست و گریبا نظر آتا ہے, اس کے علاوہ وہ ہمیں ود ان ان اٹس اون کیپیسٹی اسٹرگل کرتا نظر آتا ہے. جس عوام کی آج ہم بات کرنے بیٹھے اس کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اردوغان صاحب جو ہیں وہ انقرہ میں اور استنبول میں الیکشن ہارتے ہیں, ان کو اس بات سے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ پاسداران ایران کو دہشت گرد قرار دیا گیا. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے کو 110 روپے کا دودھ نہیں 10 روپے کا دودھ ملے. مجھے یہ بتائیں کون سی منطق ہے جناب کہ ڈالر بڑھ گیا تو دنیا کی پاکستان میں ملنے والی ہر چیز مہنگی ہو گئی. پاکستان تیسرا یا چوتھا بڑا زرعی ملک ہے, لائف سٹاک جہاں پہ ڈیری کی مصنوعات جو ہیں چھٹے نمبر پر آتا ہے. چلے وہ جب دودھ کے لاتے چوتھے نمبر چوتھے پہ نمبر گیمز میں نہ بھی جائیں, پیٹرول کا دودھ کی قیمت سے کیا تعلق ہے یا
पेट्रोल का चल थोड़ा बहुत होगा, डॉलर लाने ले जाने में डॉलर, अच्छा डॉलर की मुझे बता दीजिए ना, कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन लैंडेड कॉस्ट, आप बताइए लैंडेड कितना है, लगा के सब पे जलील कर रहे हैं। देखिए लैंडेड कॉस्ट कितनी है, मतलब ये कि जो पेट्रोल पाकिस्तान में आ रहा है उसकी लैंडेड कॉस्ट मेरा ख्याल 69 भी नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड मतलब ये कि जो पीछे नीचे जा रही है। आप मतलब किस बुनियाद पर पढ़ाते हैं, आप किसी भी आपके दोस्त अगर पेट्रोल पंप वाला हो वो तो कहता है हमारा तो परफेक्ट एग्जॉर्बिटेंट हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो जब लैंडेड कॉस्ट ये है बता ही नहीं रही ना। अच्छा आज तक मैं आप यकीन कीजिए कि रेगुलेटरी अथॉरिटी ने क्या कभी बताया लोगों को लैंडेड कॉस्ट ये है, और हमें कभी नहीं बताते है ना, ये चोरी से जो टैक्स बेचारे जो बेचारे हम लोगों से टैक्स लेते हैं हमारे जो एट सोर्स कटते हैं, खुदा की कसम उन लोगों को मजीद मतलब ये कि निचोड़ने के लिए ये सारी चीजें छुपा के रखते हैं। अच्छा अगर मैं बिल्कुल कंक्लूड करूं, नहीं आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, अभी तक हम क्यों सस्टेन कर पा रहे हैं, इसलिए कि हमारे यहाँ एक दूसरे के साथ मिलकर चलने का भी एक रिवाज और तरीका रहा है, हमारे मजहब से और तहजीब से, तहजीब हमारी रिवायत इकदार है, क्योंकि सिंध में तो बहुत से मजाहब हैं, सिविलाइजेशन बहुत पुरानी है, उधार भी दे देगा आपको गेहूं गंदम वाला थोड़ा सा डेफर्ड पेमेंट पे आपके घर का चूल्हा खांडी, हमारे यहाँ सदके और वो हम उस वजह से चल रहे, लेकिन मुझे खदशा ये है कि अगर वो असरात उस तबके तक भी आने शुरू हो गए, जब दुकानदार ये कहेगा कि भाई मैं कमाऊंगा नहीं तो तुम्हें उधार कैसे दूंगा, वो खतरनाक सूरत, ज़कात कैसे निकालूंगा, सदका कैसे करूं, उससे बचने की कोई ना कोई तदाबीर करनी पड़ेगी। आपका बहुत शुक्रिया, और आगा मसूद साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप तीनों मेहमानों से गुफ्तगु बड़ी बड़ी सैर हासिल रही, और बहुत हमने भी आज जानी हकायक और हमें भी बहुत सारी चीजों का पता चला जी। जाते जाते आज के वार्डरोब की बात करें, आज वार्डरोब में स्पॉन्सर किया लाइबस कलेक्शन, थैंक यू सो वेरी मच इब्राहिम तारवाला फॉर सेंडिंग अस दिस ब्यूटीफुल ड्रेस। बिल्कुल जी, आपकी कॉल्स को महदूद करना पड़ा उसके लिए बड़ी माजरत, लेकिन ये सिलसिला कल जारी रहेगा, और ये हमारी खुशकिस्मती थी कि हमारे सीनियर्स आज मौजूद थे, उनसे सीखने का मौका मिला, और आवाम भी यही चाहते हैं, देखने वाले भी अब उकता गए हैं, ये मुंतखब नुमाइंदे इनकी बातों से, उनके वादों से और इनके दावों से। तो ये वो बात है जिसके ऊपर आज हमने गुफ्तगू की, मसाइल का हल किसके पास है, इसके ऊपर गुफ्तगू की, और इसके लिए करने की क्या ज़रूरत है, ये वो तमाम चीज़ें जिसके ऊपर गुफ्तगू रही है। बहरहाल ये सिलसिला इंशाल्लाह आगे भी जारी रहेगा, कोशिश करेंगे वक्तन फवक्तन इसी तरह अपने जो मौजूद मेहमान हैं उनको यहाँ पे ज़हमत देते रहें, और उनसे ये सीखने का अमल इसी तरह हमारा जारी रहे। इसी बात के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम, कल इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मोहम्मद यासर रिदा सैफी और गुड मॉर्निंग कराची की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद। एक्सीलेंट।